पीपल गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून जो जब वीडियो देख रहे हैं हम सबके लिए कैसे हैं सब लोग बेटा ओके एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस आज की क्लास में हम लोग जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा पेपर नंबर 2 कॉमर्स जो है उसकी रिवीजन वीडियोस को। तो बेसिकली आपको मालूम है कि अपना जो फैफ का जो एग्जाम है वो 21 फरवरी से जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो मतलब जो दिसंबर 2022 वाले जो पेपर थे तो वो अपना वो 21 फरवरी 2023 से जो है वो आपका एग्जाम शेड्यूल किया गया, आपका ये स्टार्ट होगा और 10 मार्च तक जो है वो एग्जाम आपके चलेंगे। तो अपना जो एग्जाम है अब उसके अंदर आपको मालूम है पेपर नंबर 2 के अंदर टोटल मिला के 10 यूनिट्स हैं। उन 10 यूनिट की अपने को जो है वो सिलेबस किया, देन उसके बाद अपने को रिवीजन भी करना है, फिर उसका प्रैक्टिस भी अपने को करना है। ओके तो आज हम लोग जो है वो क्या करने जा रहे हैं, आज हम लोग अपना जो पेपर नंबर 2 कॉमर्स है उसके जो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जो 10 यूनिट्स हैं उनकी रिवीजन वीडियो को जो है वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम लोग जो है वो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हमारे यूनिट नंबर 7 से। जो अपने यूनिट नंबर 7 है, यूनिट नंबर 7 का बुक आपके पास में होगा, दैट इज फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये बुक आपको मैंने प्रोवाइड करवाया था, लगभग 165 पेज की बुक है। इसके अंदर हम लोग सारा का सारा जो बैंकिंग एंड इंस्टीट्यूशन का जो सिलेबस था उसको 10 चैप्टर्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया था। तो ये अपना एक जो बुक था इसके अंदर टोटल मिला के जो है ये अपने जो इंडेक्स में अगर आप आएंगे तो यहां देखिएगा 10 आपको जो है वो चैप्टर्स मिलेंगे। अब ये जो 10 चैप्टर थे ये क्या-क्या थे थोड़ा सा एक बार उसको देख लेते हैं। एक तो था अपना ओवरव्यू का, सबसे पहला चैप्टर था हमारा ओवरव्यू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिस्टम का, फिर था आपका टाइप ऑफ बैंक का, फिर था आरबीआई और फिर था बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, चार चैप्टर। पांचवा था फाइनेंशियल मार्केट का, छठा था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का जिसके अंदर आपके डीएफआई थे, ठीक है। फिर था फाइनेंशियल रेगुलेटर इन इंडिया जिसके अंदर आपका सेबी, आरबीआई जो है या म्यूचुअल फंड को कैसे कौन गवर्न करता है ये सब जो है, या एडीआई हो गया, ये सब था। उसके बाद था फिर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये। फिर 9th चैप्टर था आपका डिजिटाइजेशन का जिसके अंदर बेसिकली जो है वो ई बैंकिंग का टॉपिक सारा सारा इंक्लूड था, और 10th है आपका इंश्योरेंस का। तो ये 10 आपके जो है वो टोटल मिला के हमने जो है वो क्या बनाए थे, ये 10 हमारे पास में जो है ये 10 क्या थे, चैप्टर्स थे। ये 10 जो है हमारे पास क्या थे, चैप्टर। अब हम लोग जो है वो क्या करेंगे, इस 10 के 10 चैप्टर्स को जो है वो क्या करने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं। अब पहले तो मेरा मन था कि मैं चैप्टर नंबर 1 से जो है वो स्टार्ट करता और फिर 1 से लेकर ग्रेजुअली हम लोग जो है वो करते इसको। मान लो 2 पार्ट में बनाते तो एक में 1 से लेकर 5 तक, अगले में 6 से लेकर 10 तक। लेकिन मैंने यहां पर यह डिसाइड किया कि जो सीक्वेंस के अंदर चैप्टर्स है या जो चैप्टर लिंकेज के अंदर है हम उनको पहले करेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली यहां पे हम लोग जो है अपना जो बैंकिंग का जो यूनिट है, मतलब जो आपकी यूनिट नंबर 7 है, इसकी रिवीजन वीडियो हम ओवरऑल मिला के जो है वो करेंगे कितनी, 3। तो इसके 3 रिवीजन वीडियो से हम लोग बनाने वाले हैं। आज की वीडियो के अंदर बेसिकली जो पार्ट 1 रहेगा इसके अंदर हम लोग ये 3 चैप्टर को जो है वो रिवाइज करेंगे। एक आपका टाइप ऑफ बैंक का, एक आपका आरबीआई का और एक आपका बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म इन इंडिया का। इससे जो अगला वीडियो होगा उसके अंदर हम लोग जो है वो रिवाइज करेंगे अगले 5 चैप्टर्स को, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, फिर पढ़ेंगे फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल रेगुलेटर और फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये चारों चैप्टर जो है वो एक जैसे हैं बिल्कुल ही, और इनका लिंकेज जो है वो है आपके इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है। तो बहुत सारी चीजें जो चैप्टर नंबर 1 में है, जो चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8 में है वो ओवरलैप करते हैं चैप्टर 1 को। इसलिए मैंने ये सोचा कि हम यूं करते हैं कि अभी हम लोग ये 3 चैप्टर को जो है वो रिवाइज करेंगे, उसके बाद फिर अगले में हम चैप्टर 1 और 5 से लेकर के 8 को करेंगे, और उसके बाद जो थर्ड वीडियो होगा उसके अंदर हम चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 जो है आपका डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग अदर एंड फाइनेंशियल सर्विसेज और एक इंश्योरेंस, इन दोनों को हम लोग जो है रिवाइज कर लेंगे। तो ओवरऑल मिलाकर के अपना जो यूनिट नंबर 7 है इसके ऊपर हम लोग जो है वो कितना वीडियो बनाएंगे, 3 रिवीजन वीडियो बनाएंगे, जिसके अंदर हम लोग जो है ये 10 के 10 यूनिट को, 10 के 10 चैप्टर्स को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ओके जी, तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले हमारा चैप्टर नंबर 2 से। ये जो चैप्टर नंबर 2 है अपना टाइप ऑफ बैंक का, इसको हम लोग जो है वो क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। जब चैप्टर 2 होगा देन उसके बाद फिर हम आरबीआई की डेटा पे आएंगे, आरबीआई वाला हो जाएगा, देन उसके बाद में फिर हम लोग जो है जो फाइनेंशियल सेक्टर के जो रिफॉर्म्स है उनके ऊपर उस टॉपिक को, जिसमें बेसल लोन्स हो गया, रिस्क का टॉपिक हो गया, वो सब हम कंप्लीट करेंगे। ओके तो शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 2 से। चैप्टर नंबर 2 का नाम जो है वो है टाइप ऑफ बैंक्स का। लेक्चर को स्टार्ट करूं उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा देता हूं। अगर आप लोग भी अपकमिंग जून 2023 में जो एंटीनेट का पेपर होना है, या अपकमिंग दिसंबर 2023 में जो एंटीनेट का पेपर होना है, अगर आप उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करवाते हैं। हमारा जो ऑनलाइन बैच है उसके अंदर आपको पेपर नंबर 1 प्लस में पेपर नंबर 2 कॉमर्स, इनकी आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा। उस कंप्लीट कोर्स में 4 चीजें आपको मिलने वाली है। एक तो मिलेगा सारा का सारा स्टडी मटीरियल हार्ड कॉपी में, जैसे भी हम बैंकिंग पढ़ रहे हैं तो ये हमारा बैंकिंग का बुक है इस तरीके से। फिर यूनिट नंबर 6 पढ़ेंगे बिजनेस मैनेजमेंट, तो ये हमारा बिजनेस मैनेजमेंट का बुक है। इस तरीके से आपको सारे के सारे जो है वो किताबें मिलेंगी, 10 किताबें पेपर नंबर 1 में, 10 किताबें पेपर नंबर 2, तो 20 किताबें आपके होम एड्रेस पे आएंगी। प्लस में आपको मिलेगा सारे के सारे
लेक्चर्स, ठीक है, जो चैप्टर वाइज है हमने लेक्चर बना रखे हैं वो आपको मिलेंगे हमारे मोबाइल ऐप पे। प्लस में आपको रिवीजन करने के लिए रिवीजन की वीडियो मिलेगी लाइक दिस, जैसे अभी हम ये रिवीजन वीडियो बना रहे हैं इसी तरीके से आपको हर यूनिट का रिवीजन वीडियो मिलेगा। और फिर प्रैक्टिस करने के लिए आपको प्रैक्टिस के एमसीक्यूज मिलेंगे पीडीएफ फॉर्म में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं नीचे नंबर है इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर को। चैप्टर नंबर सेकंड जो है क्या है, टाइप ऑफ बैंक। टाइप ऑफ बैंक के अंदर आपको सबसे पहले मैंने बताया था बैंकिंग, बैंक का जो मेन काम होता है वो क्या होता है, बैंकिंग करना है। और बैंकिंग का मतलब क्या है, एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग। तो बैंक बेसिकली जो है वो क्या करता है, लोगों से आम जनता से पैसे को एक्सेप्ट करेगा और वो जो पैसा उसने एक्सेप्ट किया उसको आगे आम जनता को जो है वो क्या करेगा, लेंडिंग करने का काम करेगा। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, बैंकिंग। तो बैंकिंग बेसिकली एक फंक्शन है जिसके अंदर बैंक जो है वो क्या करता है, मतलब बैंक क्या है बेसिकली, अगर बैंक की बात करता हूं तो बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो क्या करता है, जो बैंकिंग करता है। और बैंकिंग क्या होता है, एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग, दिस इज द मेन बिजनेस ऑफ द बैंक। तो मेन जो बिजनेस है बैंक का वो क्या है, एक्सेप्ट करना पैसे को किस पर्पस के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग के लिए, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, बैंकिंग। ओके जी, अब इंडिया के अंदर जो भी बैंक होगा वो बैंक जो है वो अपने नाम के साथ में प्रीफिक्स या फिर सफिक्स या वो तीन वर्ड को जोड़ सकते हैं, या तो बैंक को या बैंकर को या फिर बैंकिंग कंपनी को, बैंक बैंकर बैंकिंग और बैंकिंग कंपनी। इसके अलावा अगर मान लो कोई भी पर्सन जो है वो इंडिया में बैंकिंग का काम नहीं कर रहा तो वो अपने नाम के साथ में जो इन चारों वर्ड्स को जो है वो जोड़ नहीं सकता, तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है जी। अब इसके बाद में आते हैं NDTL जो है वो क्या है, नेट डिमांडेड टाइम लाइबिलिटी। ये हमने पढ़ा था, जब कभी भी आप बैंकिंग करेंगे तो बैंकिंग के अंदर आप क्या करते हो, लोगों से पैसे को एक्सेप्ट करते हो और उस पैसे को आगे लेंडिंग करते हो। तो जब आप लोगों से पैसा एक्सेप्ट करेंगे तो बैंक के लिए वो क्या है, लाइबिलिटी है। अगर आप बैंक के अंदर पैसा जमा करवाते हो तो बैंक के लिए आपकी जो एसेट्स है वो, आपका खाता बैंक में खुल गया तो आपके जो एसेट है, आप तो बोलोगे भाई मेरी एसेट है, मेरी पूंजी है, वो मेरा कैपिटल है, लेकिन बैंक के लिए जो है वो कैपिटल नहीं है, बैंक के लिए वो जो है वो क्या है, लाइबिलिटी है। वो जो बैंक के पास लाइबिलिटी है वो दो तरीके की होती है, एक होता है डिमांड लाइबिलिटी, एक है टाइम लाइबिलिटी। डिमांड लाइबिलिटी का मतलब क्या, जो बैंक की ऐसी लाइबिलिटी, मतलब लोगों ने ऐसा पैसा बैंक में जमा करवाया जिसको जब मन चाहे लोग पैसा निकलवा ले, उसको बोलते हैं बैंक, उसको बोलेगा ये मेरी डिमांड लाइबिलिटी है। और एक ऐसा पैसा जो लोगों ने बैंक में जमा कराया और वो पैसा जो है लोग कुछ स्पेसिफिक पीरियड के बाद निकलवाएंगे, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, टाइम लाइबिलिटी या फिर टर्म लाइबिलिटी। तो NDTL के अंदर दोनों तरह की लाइबिलिटी आएगा, NDTL में एक तो आएगा डिमांड लाइबिलिटी और एक आएगा कौन सा, टाइम लाइबिलिटी। डिमांड लाइबिलिटी के अंदर जैसे आप लोग जो बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हो तो क्या वो पैसा आप कभी भी निकलवा सकते हो, यस, कभी भी जमा करा सकते हो, यस, देन दिस अमाउंट इज नोन एज द, बैंक बोलेगा ये मेरे लिए क्या है, डिमांड लाइबिलिटी। और टाइम लाइबिलिटी क्या, जैसे अगर आप बैंक के अंदर FD करवा लेते हो या आप बैंक के अंदर RD करवा लेते हो, रिकरिंग डिपॉजिट करवाते हो, हर कुछ कुछ समय के बाद आप एक पर्टिकुलर अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करते हो, तो क्या आप वो हर महीने निकालोगे, नहीं सर, एक स्पेसिफिक पीरियड होगा, उस पीरियड के बाद हम निकालते हैं उसको। तो ये क्या है आपका, ये दोनों जो है ये है आपका टाइम लाइबिलिटी। तो FD करवा लिया अपने बैंक में या बैंक के अंदर जाके आपने RD करवा लिया, वो है टाइम लाइबिलिटी, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद ही आप निकालोगे। लेकिन जो बैंक में आपने सेविंग अकाउंट खोल लिया, करंट अकाउंट खोल लिया, ये जो इसमें जो पैसा पड़ा होता है बैंक के पास में, वो बैंक के लिए जो है वो क्या है, डिमांड लाइबिलिटी, क्योंकि जब भी कस्टमर डिमांड करेगा तो बैंक को उस पैसे को मैच्योर कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो डिमांड लाइबिलिटी के अंदर क्या आएगा, जैसे करंट डिपॉजिट हो गया, डिमांड डिपॉजिट हो गया, या पोर्शन होता है सेविंग बैंक डिपॉजिट हो गया, या फिर कोई भी मार्जिन आपके आपने होल्ड किया होगा अगेंस्ट लेटर ऑफ क्रेडिट या गारंटी, ये हो गया, या बैलेंस इन द ओवरड्यू FD हो गया, या कैश सर्टिफिकेट हो गया, क्यूमुलेटिव रिकरिंग डिपॉजिट हो गया, ये सब जो है वो अमाउंट है किसका, आपका। दिस ऑल आर इंक्लूड इन द डिमांड लाइबिलिटी। जब कभी भी कस्टमर क्या करेगा, डिमांड करेगा, तो बैंक को इसको जो है वो मैच्योर करना पड़ेगा। एक होता है टाइम लाइबिलिटी। टाइम लाइबिलिटी का मतलब हो गया ये वो पैसा जो, मतलब बैंक के पास में वो पैसा जो बैंक जो है उसको एक्सपेंसिव पीरियड के बाद ही क्या करेगा, मैच्योर करेगा, उसको बोलते हैं टाइम लायबिलिटी। जैसे अगर आप बैंक में FD करवाते हो 3 साल की, तो आप क्या 3 साल से पहले जाते हो क्या, नहीं, जनरली आप 3 साल पूरा होने के बाद में जाओगे बैंक के पास, तो बैंक वहां पे सिक्योर होता है और बैंक को पता होता है कि ये पैसा जो कस्टमर ने आज मेरे को जमा करवा दिया, ये कस्टमर मेरे से अब 3 साल के बाद ही लेने आएगा। तो वो जो लायबिलिटी है बैंक को मालूम है कि ये मैच्योर कब होनी है, ये मैच्योर होने 3 साल के बाद में, दिस इज नोन एज अ टाइम लायबिलिटी। जैसे इसके अंदर आएगा क्या, FD का पैसा हो गया, या टाइम लायबिलिटी पोर्शन था सेविंग बैंक डिपॉजिट हो गया, स्टाफ सिक्योरिटी डिपॉजिट हो गया, ये सब जो है ये क्या है आपका, टाइम लायबिलिटी। इसके अलावा अदर डिमांडेड टाइम लायबिलिटी भी होती है, जैसे आपका कोलेटरल डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस है, तो ये सब जो है वो पार्ट है इसका, अदर डिमांडेड टाइम लायबिलिटी। अब बात करते हैं बैंक जो है वो क्या होता है। तो बैंक बेसिकली जो है कोई क्लियर कंसेप्शन नहीं है इसके स्टार्टिंग कब हुआ, लेकिन इसको जो है पहले इसको जो नाम था उसको ना लोग बेंची बोलते थे। बेसिकली क्या था कि अगर हम बात करते हैं बैंक जो वर्ड है, तो पहले कहते जो बड़े बड़े व्यापारी थे, तो वो लोग मालूम क्या करते थे, वो लोग ना जैसे किसी एक शहर में जाते थे
और वहां पे जाके व्यापार कर रहे हैं। उसके बाद पैसा इकट्ठा उठा वो क्या करते थे, एक पेड़ के नीचे जो है बेंच लगा के बैठते थे और वहां पे बैठ करके वो लोगों से जो है वो पैसा उनसे लेते थे और उनको पर्चिया बना बना के देते थे कि भाई आपका इतना पैसा हमारे पास में क्या हो गया, सिक्योर हो गया, आप कुछ समय के बाद में आएंगे, अगर आपको निकलवाना हो तो आप निकलवा भी सकते हो और अगर आपको और डिपोजिट करना डिपोजिट भी करवा सकते हो। तो वहां से वो बेंच वर्ड से जो है इसका नाम पड़ा बेंची। क्या पड़ा? बेंची। तो बैंक को जो है वो पहले बेंची भी बोला जाता, मतलब जो पर्पस बैंकिंग का काम करा उसको बेंची भी बोलते थे, फिर ये इसको बैंक्यू भी बोलते हैं, ठीक है ना। बाद में उसके बाद इसका नाम जो है वो धीरे धीरे जो है लोगों ने इसको बैंक, जब इसको इंग्लिश के अंदर जो है डिराइव किया तो उसको बैंक बोलना जो है वो क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। वर्ल्ड में जो सबसे पहला बैंक जो खुला था उसका नाम था कासा डी सैन जियोर्जियो, ये खुला था 1148 में। और पहला पब्लिक सेक्टर का जो बैंक पूरे वर्ल्ड के अंदर खुला वो था बैंक ऑफ वेनिस, जो खुला 1157 के अंदर। इंडिया में बैंकिंग कब स्टार्ट हुआ वो मैंने सारा नीचे लिखा हुआ है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान सबसे पहले खुला था, उसकी चर्चा भी बाद में करेंगे, ठीक है जी। तो बैंक बेसिकली है बैंक इट रेफर टू ए इंस्टीट्यूशन दैट डील्स इन मनी, तो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो मनी के अंदर डील करता है उसको जनरली बोलते हैं हम लोग क्या, बैंक। और इसका मेन काम जो है वो क्या होता है, लोगों से पैसा एक्सेप्ट करना और लोगों को पैसा क्या करना, उधार के तौर पर देना। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो बैंक जो है वो क्या करता है, मनी में डील करता है, इंडिविजुअल फॉर्म कंपनी तीनों फॉर्म में हो सकता है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, गिविंग एडवांसेस, पेमेंट विड्रॉल भी कर सकता है, एजेंसी सर्विसेज भी आपको प्रोवाइड करवाता है, प्रॉफिट एंड सर्विस ओरिएंटेशन के लिए काम करता है बेसिकली, एवर इंक्रीजिंग फंक्शन लगातार बढ़ रहा है, ये जो है वो बोरोइंग और लेंडिंग के बीच में एक लिंक जो है वो कनेक्ट करता है, और मेन काम आपका बैंकिंग बिजनेस होता है। नेम आइडेंटिटी आपको वर्ड जो दिख जाएगा क्या, बैंक के नाम के सामने प्रीफिक्स या सफिक्स क्या दिख जाएगा, बैंक दिख जाएगा। तो ये बेसिक से कैरेक्टरिस्टिक है, ज्यादा काम के नहीं है, जो मेन फंक्शन ऑफ बैंक है वो आगे हम देखेंगे उसको। ओके, अब बात आती है अपने इंडिया में बैंकिंग का क्या सिस्टम था। अपने इंडिया में अगर बैंकिंग की बात करें तो इंडिया के अंदर सबसे पहला बैंक जो ओपन किया गया वो किया गया 1770 में, 1770 के अंदर इंडिया में सबसे पहला बैंक जो ओपन किया गया जिसको बोलते हैं बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्या बोलते हैं? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये बैंक 1770 के अंदर ओपन किया था और ये 1829 से लेकर 1832 के पीरियड में क्या हो गया, बंद हो गया था, लिक्विडेट हो गया 1829 से 32 के पीरियड में। इसके बाद सेकंड बैंक जो ओपन किया गया वो किया गया 1786 में, जिसका नाम था जनरल बैंक ऑफ इंडिया, और ये बैंक भी 5 साल के बाद 1791 के अंदर जो है वो क्या हो गया, बंद हो गया। इसके बाद 3 प्रेसिडेंसी बैंक को जो है वो अंग्रेजों ने स्टार्ट किया था, एक था आपका बैंक ऑफ बंगाल, एक था बैंक ऑफ बॉम्बे और एक था बैंक ऑफ मद्रास। उसके बाद ये अलग अलग पीरियड में 3 बैंक खुले थे और ये जो 3 बैंक थे, ध्यान देना, ये जो 3 बैंक थे इन 3 बैंकों को बोलते हैं हम लोग क्या, प्रेसिडेंसी बैंक, क्योंकि यहां से अंग्रेज जो है इन बंगाल से, बॉम्बे से और मद्रास से, यहां से बैंक जो है जो अंग्रेज थे वो क्या मेजर बिजनेस करते थे, तो उनका मेजर बिजनेस ट्रांजैक्शन अगर इन एरिया से होती थी तो वहां पे उन्होंने क्या कर दिया, बैंक खोल दिया, उसी को प्रेसिडेंसी बैंक बोला जाता था। फिर 1921 के अंदर जेएम केन्स, जो जॉन मेनार्ड केन्स थे, जो इंग्लिश अंग्रेजों के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, तो उन्होंने एक बेसिकली रेजोल्यूशन पास करवाया, रेजोल्यूशन क्या, उन्होंने एक रिकमेंडेशन दिया और ये बोला कि यार ये जो 3 अलग अलग प्रेसिडेंसी बैंक है इन तीनों को जो है आपको क्या करना चाहिए, मर्ज करना चाहिए, और मर्ज करके आप इनको एक ही बैंक बना दो जिसका नाम रखेंगे हम लोग क्या, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो फिर उसके बाद क्या किया गया, 1921 के अंदर जो है इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को जो है वो क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, और मर्ज करके एक नाम रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। जब ये इसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया रखा गया, किसकी रिकमेंडेशन से बना, ये क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज फॉर द जेएम केन्स। ओके, उसके बाद में 1947 में देश आजाद हुआ, अंग्रेज चले गए यहां से। उसके बाद में हम चाह रहे थे कि अंग्रेजों की कोई भी निशानी यहां पे नहीं रहनी चाहिए, तो हमने 1955 के अंदर जो है ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है इसको जो है वो क्या कर दिया, 56 के अंदर नेशनलाइज करवाया। नेशनलाइज का मतलब इसके पहले जो शेयर थे वो आम जनता के पास में थे, बाद में हमने बोला गवर्नमेंट ने जो है इनके सारे शेयर को एक्वायर किया और ये जो बैंक अब किसका बैंक बन गया, सरकार का बैंक बन गया, और इसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? एसबीआई। फिर 1960 के अंदर जो है इसके 7 सब्सिडियरी जो है वो भी क्या किया गया, ओपन किया गया। 7 में से 2 सब्सिडियरी 2008 में, 2010 के अंदर जो है वो क्या किया, स्टेट बैंक में मर्ज कर दिया, और रिमेनिंग की जो 5 सब्सिडियरी थी उनको 1 अप्रैल 2017 को एसबीआई की जो बची हुई 5 सब्सिडियरी थी प्लस में भारतीय महिला बैंक, इनको जो है वो मर्ज कर दिया किसके अंदर, एसबीआई में। तो ये जो 5 उसकी बची हुई सब्सिडियरी थी, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, मैसूर, पटियाला और तनुवंकर, इनको जो है वो क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और अब जो है वो एसबीआई की कोई भी सब्सिडियरी जो है वो नहीं है, हर जगह एक ही ब्रांच है, वो किसका, एसबीआई का, ठीक है जी। तो एसबीआई जो है अलग से नहीं बना था, बेसिकली जो 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे उनको मर्ज करके क्या बनाया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था, और वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को आजादी के बाद में रीनेम कर दिया था, जिसको बोला गया हमने क्या, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, उसके बाद फिर 1865 के अंदर अपने यहां पे बैंक ऑफ इलाहाबाद खुला, 1894 के अंदर जो है पीएनबी खुला था, इसका जो हेड ऑफिस था वो कहां था, लाहौर में। फिर 1926 जब आया तो 1926 के अंदर जो है अंग्रेजों की एक कमेटी बनी थी, कमेटी का नाम था हिल्टन यंग कमेटी। देखो 21 के अंदर हम लोगों ने जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया था, और ये जब तक, क्योंकि अपने इंडिया के अंदर आरबीआई नहीं था, आरबीआई सुना आपने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो मेन काम होता है वो क्या होता है, पूरा का पूरा जो बैंकिंग सिस्टम है इसको ये क्या करता है, गवर्न करता है। अब इंडिया के अंदर जो आरबीआई, आपको मालूम है आरबीआई कब है, 1935 से है,
1935 से जो है वो आरबीआई ने काम करना स्टार्ट किया। तो उससे पहले क्या देश में बैंक नहीं थे? बैंक तो थे, और अगर देश में बैंक थे तो उनको रेगुलेट कौन करता था? तो उनके रेगुलेशन का मेन काम जो है वो इसका था, जो प्रेसिडेंसी बैंक था 1921 में जो हमने बनाया था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये इंडिया के जितने भी बैंक है उन सबको क्या करता था? संभालने का काम करता था, उनके लिए जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन निकालता था, उनके लिए मॉनिटरी पॉलिसी छापने का काम करता था। लेकिन लोगों ने फिर बाद में बोला यार ये तो बहुत ही गलत है, क्योंकि ये खुद भी एक कमर्शियल बैंक है। आपको मालूम है जो आरबीआई है उसकी एक कमेटी है, कमेटी का नाम है मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, एमपीसी। वो देश में जितने भी आपके कमर्शियल बैंक्स हैं उनको रेगुलेट करने के लिए एक पॉलिसी इशू करती है, जिसको बाय मंथली पॉलिसी बोला जाता है, दैट इज नोन एज अ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसी, जिसको बोलते हैं मॉनिटरी पॉलिसी। अब मॉनिटरी पॉलिसी होती किसके लिए? कमर्शियल बैंक्स के लिए होती है। और जो ये था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ये भी अपने आप में क्या था? कमर्शियल बैंक। तो लोगों ने थोड़ा सा विरोध किया, लोग बोले तो बहुत ही गलत है, क्योंकि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो खुद से ही कमर्शियल बैंक है और ये कमर्शियल बैंक के लिए पॉलिसी बनाएगा तो बट नेचुरल है कि लोगों का तो शोषण करेगा और खुद का बेनिफिट करेगा। तो फिर वहां पे अंग्रेजों ने जो है वो ये बोला कि यार एक अलग से बैंक होना चाहिए जो जिसको हम काम जो है वो सौंपेंगे, किसका? सेंट्रल बैंकिंग की भूमिका जो निभाए। तो उसके लिए 1926 के अंदर जो है कमेटी को सेटअप किया गया। उस कमेटी का नाम था हिल्टन यंग कमीशन, या उसको जो है हम लोग जो है बोलते हैं रॉयल कमीशन। इस कमीशन ने अपना रिपोर्ट जो है वो क्या किया? पब्लिश किया, और उसकी रिपोर्ट के बेस पर जो है 1934 के अंदर आरबीआई का एक एक्ट पास किया गया, और 1935 से आरबीआई ने जो है वो काम करना क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया। फिर 1949 के अंदर जो है बैंकिंग कंपनी एक्ट 1949 जो है वो क्या किया? छापा गया, मतलब एनेक्ट किया गया, पास किया गया। और जो बैंकिंग कंपनी एक्ट है वो उन्हीं बैंकों के ऊपर सिर्फ एप्लीकेबल होता था जो कंपनी स्टेटस के थे, लेकिन अपने इंडिया के अंदर कंपनी के अलावा बहुत सारे ऐसे भी बैंक थे जो बेसिकली कोऑपरेटिव फॉर्म्स के अंदर भी रन हो रहे थे, तो उनको भी अपने बैंकिंग के दायरे में लाने के लिए बेसिकली जो है गवर्नमेंट ने जो है वो क्या किया, ये जो बैंकिंग कंपनी एक्ट 1949 था इसको नाम को चेंज किया और नाम रख दिया क्या? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। और जब बैंकिंग कंपनी एक्ट की जगह नाम इसका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हुआ, तो इंडिया में जो भी बैंकिंग का काम करने वाले इंस्टीट्यूशन थे वो सारे इस एक्ट के दायरे में आ गए। अब उन सभी इंस्टीट्यूशंस को, वो सारे इंस्टीट्यूशन जो देश में बैंकिंग का काम कर रहे हैं, चाहे वो कंपनी फॉर्मेट में चाहे किसी भी फॉर्मेट में, अब उनको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की जो है वो बात माननी पड़ेगी, ठीक है जी। उसके बाद 1969, और ये पीरियड बहुत ही जो है इंडिया के लिए, मतलब बैंकों के लिए बहुत ही काला पीरियड रहा। क्यों? क्योंकि 1969 में यहां पे 1969 के अंदर जो है हमारे इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, बहुत ही बोल्ड लेडी थी वो, और उन्होंने जो है वो 14 बैंकों को रातों रात जो है वो क्या कर दिया? नेशनलाइज। अब नेशनलाइज जो है वो क्या होता है? नेशनलाइज एक फिनोमिना है जिसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्या बना देगी? गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बना दे, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? नेशनलाइजेशन। दो अलग अलग टर्म होती है, एक होता है नेशनलाइजेशन, एक होता है प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन का उल्टा होता है नेशनलाइजेशन, समझ रहे हो? नहीं सर, नहीं समझ में आया। देखो भाई, प्राइवेटाइजेशन के अंदर गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है? सर, प्राइवेटाइजेशन के अंदर गवर्नमेंट का जो मेन काम होता है वो ये होता है, गवर्नमेंट अपने सरकारी उद्योगों को जो है वो प्राइवेट लोगों को सौंप देगी, उनको बेच देगी, दैट इज नोन एज प्राइवेटाइजेशन। और नेशनलाइजेशन में गवर्नमेंट क्या करती है? प्राइवेट लोगों के उद्योग को अपना उद्योग बना देती है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? नेशनलाइजेशन। बात समझ में आएगा? यस। तो अपने यहां पे 1969 के अंदर इंदिरा गांधी ने जो है वो अपने फाइनेंस मिनिस्टर्स को और बाकी जो और लोग थे उनको बोला कि एक काम करो, जल्दी से देखो कि कौन कौन से ऐसे बैंक हैं जो बड़े बैंक है। बड़े बैंक का क्राइटेरिया उसने भी ये डिसाइड किया गया, जिनके पास में जो डिपॉजिट्स है वो 50 करोड़ उससे ज्यादा की हो। तो ऐसे टोटल मिला के 14 बैंक जो है वो आए सामने। उन 14 बैंकों को इंदिरा गांधी ने बोल दिया कि आज से ये देश के बैंक हो गए, बोले तो ये नेशनलाइज कर दिया उनको, ताकि। और नेशनलाइजेशन के पीछे हमारा जो मेन एम था वो ये था, लोग पहले बैंकों से पहले लोग ज्यादा पैसे जमा कराते पोस्ट ऑफिस में। अक्सर ऐसा था कि लोग जो है वो पोस्ट, आप भी अपने घर में जो आपके बड़े बुजुर्ग है आप उनसे पूछना, उनके जैसे आपके दादाजी या दादी जी होंगे, ठीक है, आपके मदर फादर का तो वैसे बैंकों में ही होगा खाता, बट फिर भी आप पूछना एक बार उनसे कि आपके टाइम पे क्या था, तो वो बताएंगे कि हम लोग जो है उस टाइम बैंकों का ज्यादा बोलबाला नहीं था, मेजोरिटी पैसा जो है पोस्ट ऑफिस के अंदर ही लोग जमा करते थे। जैसे आज मेजोरिटी पैसा लोगों का बैंकों में जमा है ऐसा सेविंग अकाउंट के तौर पर, लेकिन पहले लोग जो है वो सेविंग अकाउंट खोलते थे पोस्ट ऑफिस में। तो वो पोस्ट ऑफिस जो है अब उसकी वो एक अलग से बॉडी थी, और पोस्ट ऑफिस के अंदर जो लोगों का पैसा जमा था उसको आम जनता के वेलबींग के लिए यूज नहीं किया जा रहा था। तो बेसिकली गवर्नमेंट को लगा कि यार ये काम करते हैं अब लोग, और बैंकों में लोग पैसा जमा नहीं कर रहे क्योंकि बैंक प्राइवेट नेचर के थे, लोगों को डर लगता है कि भाई प्राइवेट बैंक में पैसा जमा करवाए कल को भाग गए तो फिर क्या होगा। तो वहां पर गवर्नमेंट ने यह बोला कि ये काम करो, इन बैंकों को गवर्नमेंट का बना दो, अगर ये गवर्नमेंट के बैंक हो जाएंगे तो लोगों को जो है वो क्या हो जाएगा? एक तसल्ली हो जाएगा, भाई ये तो सरकार का बैंक है, ये डूबेगा नहीं। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने जो है वो क्या कर दिया, 1969 में 14 बैंकों को नेशनलाइज किया। फिर 1980 के अंदर जो है वो 6 बैंकों को, 6 बड़े बड़े बैंक, बड़े बड़े बैंक का क्राइटेरिया है जिनके पास में जो टोटल डिपॉजिट था वो 200 करोड़ से ज्यादा था, उनको क्या कर दिया? नेशनलाइज कर दिया। तो ये स्ट्रक्चर चला आपके किसका? बैंकिंग का इंडिया के अंदर।
आगे इसके बाद में जो है अगर हम तीन फेजेस की बात करें तो तीन फेज है, फेज वन, फेज टू, फेज थ्री। फेज वन के अंदर आएगा अर्ली फेज, 1770 से लेकर के 1969 तक का जो फेज है वो है आपका फेज वन। उसके बाद 1969 से लेकर के 1991 तक का जो फेज है वो है फेज नंबर टू, जो जिसको बोलते हैं नेशनलाइजेशन ऑफ द इंडियन बैंक फेज। और फेज नंबर थ्री जो है वो है किसका, जिसके अंदर बेसिकली जो है वो क्या किया गया, नए नए बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो रिफॉर्म किया गया, वो है आपका फेज नंबर थ्री। तो फेज वन में तो ऊपर हमने जो पढ़ा वो सारा अपना निपटा दिया हमने। फेज नंबर टू के अंदर बेसिकली जो है वो गवर्नमेंट ने क्या किया कि पहले 14 बैंकों को नेशनलाइज किया और बाद में जो है वो क्या कर दिया, 6 बैंकों को जो है वो नेशनलाइज कर दिया। और इसकी वजह से ये 7 नहीं है 6 थे, 6 बैंकों को नेशनलाइज किया और ऊपर 14 बैंकों को नेशनलाइज किया। इसकी वजह से जो है गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, लगभग 80% ऑफ बैंकिंग सेगमेंट था वो किसकी ओनरशिप में आ गया था, गवर्नमेंट की ओनरशिप में आ गया था। इसके बाद में फिर गवर्नमेंट ने जो है वो क्या किया, जो थर्ड, ये बैंकों का नाम बता रखे थोड़ा देख लेना, फिर थर्ड जो फेज था उसके अंदर वो क्या था, वो फेज था आपका कौन सा, थर्ड फेज के अंदर गवर्नमेंट ने बेसिकली जो है वो क्या किया, रिफॉर्म किया, सुधार किया गया। तो चैप्टर नंबर 4 के अंदर मैंने डाला हुआ है दो तरह के सुधार है, एक है आपका कौन सा, नरसिम्हम कमेटी मतलब बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म पार्ट वन, और एक है आपका नरसिम्हम कमेटी बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म पार्ट नंबर टू। ठीक है, तो उसको अभी आगे देख लेंगे। तो फेज नंबर थ्री जो है वो ओनली एंड ओनली रिलेटेड है किससे, रिफॉर्म से, कि जो जो रिफॉर्म्स किए गए आपके किसमें, फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर। तो वो बैंकिंग सेक्टर में जो रिफॉर्म हुए वो इस पीरियड में 1991 से स्टार्ट हुआ। ओके जी, अब नेशनलाइजेशन क्या है, तो यहां पे बता रखा है नेशनलाइजेशन का मतलब जो है वो क्या होता है, बेसिकली इट इज डिफाइंड एज अ गवर्नमेंट टेकिंग कंट्रोल, जब गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल लेती है ओवर द एसेट्स एंड ओवर ए कॉर्पोरेशन यूजली बाय एक्वायरिंग द मेजोरिटी ऑफ द होल स्टेक इन द कॉर्पोरेशन। जब गवर्नमेंट जो है वो मेजोरिटी ऑफ द स्टेक को होल्ड करके या मेजोरिटी ऑफ स्टेक को क्या कर ले, एक्वायर कर लेती है, एक्वायर कर लेती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, नेशनलाइजेशन। क्यों किया जाता है नेशनलाइजेशन, तो बेसिकली पब्लिक के कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, और दूसरा पब्लिक के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए नेशनलाइजेशन किया गया, और या फिर जो है वो क्या, जो रीजनल बायसनेस हो रही थी पहले, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर वाला वहां पे जाके अपनी ब्रांच को ओपन करेगा जहां पे उसको प्रॉफिट होगा, अब वो गांव-गांव में जाके तो भाई ब्रांच ओपन करेगा नहीं। और गवर्नमेंट जो है वो क्या चाह रही है कि इक्वालिटी हो हर जगह, हर एक एरिया का जो है वो क्या हो, प्रमोशन हो, हर एक एरिया जो है वो क्या हो, आगे बढ़े। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने जो है वो क्या किया, बेसिकली यहां पे जो रीजनल डिस्पैरिटी है उसको रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि भैया इन बैंकों को हम क्या कर लेंगे, नेशनलाइज कर लेंगे, तो अब ये बैंक हमारे हो जाएंगे। तो अगर हम इनको ऑर्डर देंगे कि जाओ आपको रूरल एरिया में भी बैंकिंग ब्रांच ओपन करना पड़ेगा, तो ये करेंगे। तो बेसिकली एक तो लोगों का बैंकों के अंदर कॉन्फिडेंस को जगाने के लिए, और दूसरा जो है वो क्या, जो रीजनल बायसनेस है उसको खत्म करने के लिए देश के अंदर जो है वो क्या किया गया, नेशनलाइजेशन शुरू किया गया। नेशनलाइजेशन कितने फेज में हुआ, क्वेश्चन आ जाए तो दो फेज में, 1969 और 1980 के अंदर। चलो जी आगे, इसके बाद फंक्शन क्या क्या है कमर्शियल बैंक के, तो कमर्शियल बैंक के फंक्शन के नाम पे जो आपके पास में कई सारे फंक्शन है, सबसे पहले नंबर पे आएगा आपका प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी, फिर है सेकेंडरी, और फिर कौन सा, डेवलपमेंट फंक्शन है। इसके अलावा कुछ और भी जिनको बोलते हैं हम लोग क्या, मॉडर्न फंक्शन। तो चार तरह के जो है वो फंक्शन आपको जो है वो पढ़ने हैं। पहले नंबर पे आएगा कौन सा, प्राइमरी फंक्शन, एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले प्राइमरी, प्राइमरी फंक्शन के अंदर क्या आएगा, प्राइमरी फंक्शन जो बैंक का है वो तीन होता है। पहला एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग, पहला काम होता है पैसे को एक्सेप्ट करना, दूसरा काम होता है लेंडिंग करना, और तीसरा काम होता है क्रेडिट क्रिएशन करना। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो क्या, प्राइमरी फंक्शन जो है कमर्शियल बैंक का आर नो एज अ एसिड टेस्ट फंक्शन, रट के जाना इस बात को, प्राइमरी फंक्शन को बोलते हैं हम लोग क्या, एसिड टेस्ट फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक। इसके अंदर बैंक जो है वो बेसिकली क्या करता है, सबसे पहला काम जो करेगा वो क्या करेगा, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। तो बैंक तीन काम करता है प्राइमरी फंक्शन में, एक तो पैसे को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, दूसरे नंबर पे बैंक जो है वो क्या करेगा, एडवांसिंग द लोन, जो पैसा बैंक ने एक्सेप्ट किया उसको आगे क्या करेगा, लोन के तौर पे प्रोवाइड करेगा, और तीसरा जो मेन काम होता है वो होता है क्रिएशन ऑफ द क्रेडिट। तो बेसिकली बैंक जो है वो ये तीन काम है, इसके अलावा और भी चेक सिस्टम हो गया लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन जो चीज होती है वो क्या, बैंक का जो प्राइमरी फंक्शन है वो तीन है, पहला एक्सेप्टिंग करना, पैसे को आम जनता से एक्सेप्ट करना, दूसरा लेंडिंग करना, और तीसरा ऐसा करके वो क्या करेगा, देश के अंदर क्रेडिट को क्या करता है, क्रिएट करता है। अब एक्सेप्ट जो है बैंक कैसे कैसे करता है पैसे को, तो थोड़ा सा ये देख लीजिएगा, एक तो एफडी, आप बैंक के अंदर पैसे जमा कर सकते हो, एफडी अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट आप खोल दोगे, एक साथ सारा पैसा बैंक में जमा करा दोगे कुछ समय के लिए। एक है करंट अकाउंट, कभी भी निकालो, कभी भी जो है वो आप क्या विड्रॉ कर सकते हो, कभी भी आप पैसा बैंक में जमा कर सकते हो, और इसके ऊपर आपको कोई भी इंटरेस्ट जो है वो नहीं मिलेगा। हालांकि आजकल एक नया सिस्टम आ गया, मैंने क्लास में बताया भी था आपको, स्वीप ट्रांसफर का। ये स्वीप ट्रांसफर के अंदर बेसिकली क्या, करंट अकाउंट की भी एफडी बनते हैं और उसके ऊपर ब्याज मिलता है। ठीक है ना, चलो, एक होता है आपका सेविंग, जो आपने खाता खोल रखा है इसके अंदर आप कभी भी पैसा जमा करवा सकते हो, कभी निकाल सकते हो, बट कुछ उसकी कंडीशन होती है। फिर एक है रिकरिंग, इसके अंदर आप जो है वो क्या करोगे, एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर जो है बैंकों के अंदर पैसा जमा करवा गया, तो इसको बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। अब बैंक के पास ये जो पैसा आ गया, बैंक इस पैसे को जो है वो क्या करता है, दो पर्पस के लिए यूज करता है, एक तो बैंक इसको आगे एडवांसिंग करता है, और एक इसकी क्या करता है, इन्वेस्टमेंट। जब बैंक इसको आगे एडवांसिंग करेगा, तो एडवांसिंग के लिए बेसिकली जो बोल रखा है क्या, एडवांसिंग कहां का करेगा, एक तो है मनी एट कॉल, तो
अनसिक्योर्ड फंड्स को जब हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं तो उसको बोलते हैं मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। इसके अंदर क्या, अगर बैंक जो है वो पैसा उधार दे रहा है कितने, एक दिन के लिए, फॉर एन ओवरनाइट, तो उसको बोलते हैं क्या, कॉल मनी। तो कॉल मनी जो है वो क्या, कॉल मनी इज द बोरोइंग एंड लेंडिंग फॉर वन डे। और अगर 2 से लेकर 14 दिनों के लिए आप पैसा दे रहे हो तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, नोटिस मनी। क्या बोलेंगे, नोटिस मनी। अगर बैंक एक दिन तक के लिए पैसा उधार दे रहे, कॉल मनी। 2 से लेकर 14 दिन के लिए पैसा उधार दे रहे, नोटिस मनी। और 14 दिन के बियॉन्ड, 1 साल तक के लिए पैसा दे रहे तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, टर्म मनी। क्या बोलेंगे, टर्म मनी। ओके, दूसरा फैसिलिटी है ओवरड्राफ्ट का। बैंक जिसके अंदर जो है वो कस्टमर को बोलता है कि आपका जितना भी पैसा बैंक के अंदर क्या डिपॉजिट है, आप उसे ज्यादा के चेक काट सकते हो, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ओवरड्राफ्ट। एक होता है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट जो है एक बहुत ही पॉपुलर स्ट्रेटजी है लोन एडवांस करने का। इसके अंदर बैंक जो है वो क्या करेगा, हाइपोथिकेशन करवा देगा कुछ ऐसे, उसके बदले में आपको क्या करेगा, लिमिट बना के दे देगा, और उस लिमिट तक आप बैंक से पैसा जो है विड्रॉ करवा सकते हो। फेयर डिस्काउंटिंग, अगर आपके पास में कोई भी बीआर है, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास में बिलो एक्सचेंज पड़े तो आप उसको बैंक से डिस्काउंट भी करवा सकते हो। एंड क्रेडिट टू द गवर्नमेंट, बैंक जो है वो क्या करता है, गवर्नमेंट को भी जो है वो फंडिंग करने का काम करता है। तो बैंक के पास जो पैसा है, बैंक इस तरीके से उस पैसे को क्या करता है, उधार भी दे सकता है। और जब बैंक ऐसा करेगा तो ऐसा करके बैंक जो है वो क्या करता है, क्रेडिट को क्रिएट करता है। ठीक है, एक और भी प्राइमरी फंक्शन वो है चेक सिस्टम होता है पेमेंट ऑफ फंड। एक जगह से दूसरी जगह पे पैसा ट्रांसफर करने के लिए बैंक जो है चेक सिस्टम को भी क्या करता है, यूज करता है। बैंक के सेकेंडरी फंक्शन के अंदर बेसिकली 2 तरह के फंक्शन है। एक है एजेंसी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन के अंदर बैंक जो है वो क्या करता है, बहुत सारी सर्विसेज जो है अपने कस्टमर को प्रोवाइड करेगा, एज एन एजेंट की भूमिका निभाएगा। पहला, कलेक्शन पेमेंट ऑफ क्रेडिट। बैंक जो है वो अपने कस्टमर के बिहाफ पे जो है वो क्या करेगा, कस्टमर अगर कोई पेमेंट करना है तो कस्टमर के बिहाफ पे पेमेंट कर देगा, कस्टमर को कोई पैसा रिसीव करना है कस्टमर के बिहाफ पे पैसा रिसीव कर लेगा। दूसरा, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी। ट्रस्टी एग्जीक्यूटर, बैंक जो है वो ये भी कर सकता है कि आपकी प्रॉपर्टी को जो है वो आपकी प्रॉपर्टी का ट्रस्टी भी बन सकता है, मतलब आपकी प्रॉपर्टी की देखरेख भी कर सकता है। दूसरा, रेमिटेंस ऑफ मनी, आपके कहने पर पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन एंड कॉरेस्पोंडेंस, बैंक आपके बिहाफ पे आपको जो है वो क्या रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं किसी मीटिंग में जाके। फिर बुलियन ट्रेडिंग, अगर बैंक जो है वो चाहे तो वो गोल्ड सिल्वर के अंदर ट्रेडिंग भी करता है। इसके अलावा कुछ जनरल यूटिलिटी फंक्शन है जो बैंक प्रोवाइड करवाता है, वो कौन कौन से है। बैंक प्रोवाइड मेरी मोर यूटिलिटी सर्विस इन एडिशन टू द एजेंसी सर्विस। पहले लोकर, बैंक जो है वो लोकर फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड करवाता है, तो आप अपना कीमती सामान जो है लोकर के अंदर रख सकते हो और उसका एक एनुअल रेंट होता है जो बैंक आपसे क्या करेगा, चार्ज करेगा। दूसरा, एक्टिंग एज ए रेफरी, बैंक रेफरेंस के तौर पे भी जो है वो क्या करता है, काम करता है। अपने क्लाइंट की जो इंफॉर्मेशन है, क्लाइंट के कहने पर वो बाकी बाहर की पार्टी को जो है वो प्रोवाइड करवाता है। इशू एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो बैंक इशू करता है। बेसिकली एक गारंटी डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर कस्टमर जो है वो क्या करता है, बैंक से अगर एलसी ले लेगा तो बैंक वहां पे गारंटी देता है कि आप मेरे जिस बंदे ने जिसके नाम पे एलसी कटी हुई है आप इसको पेमेंट या फिर आप इसको गुड्स ट्रांसफर कर देना, पेमेंट अगर ये नहीं करेगा तो हम कर देंगे। फिर एक्टिंग एज अंडरराइटर, बैंक जो है वो अंडरराइटर की भूमिका भी निभाता है। अंडरराइटर के अंदर बेसिकली बैंक जो है वो क्या करता है, आपसे प्रॉमिस करता है कि आप सिक्योरिटी मार्केट में क्या करो, इशू करो, अगर मार्केट में पब्लिक सिक्योरिटी को जो है वो सब्सक्राइब नहीं करेगी तो हम कर लेंगे। फिर इन्फॉर्मेशन बैंक, बैंक जो है वो वेरियस स्टैटिस्टिकल डेटा छापता है और आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा। ट्रेवलर चेक भी जो है वो बैंक क्या करता है, जारी करता है। गिफ्ट चेक भी बैंक जारी करता है। फॉरन एक्सचेंज, फॉरन करेंसी के अंदर बैंक डील भी करता है। एंड मर्चेंट बैंकिंग की सर्विस भी प्रोवाइड करवाता है। मर्चेंट बैंकिंग के अंदर बेसिकली बैंक जो है वो कस्टमर को जो है वो फंडिंग प्रोवाइड करवाने का काम भी करवाता है। इसके अलावा डेवलपमेंट सर्विसेज के अंदर बेसिकली जो है वो क्या आएगा, बैंक जो है मोबिलाइजेशन सेविंग को मोबिलाइज भी करता है। एक्सटेंशन ऑफ द बैंकिंग सर्विस इन द रूरल एरिया, बैंक जो है वो क्या करता है, रूरल एरिया के अंदर भी बैंकिंग सर्विस को एक्सटेंड करने के लिए वेरियस आरआरबीज हो गया या वेरियस आपके जो है वो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डेवलप करवा रखे हैं। इसके बाद प्रोवाइडिंग लोन टू वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को भी लोन प्रोवाइड करता है। एंड असिस्टेंस टू द कैपिटल मार्केट। इसके अलावा मॉडर्न फंक्शन की अगर बात करें तो बैंक जो है वो मॉडर्न फंक्शन के अंदर एटीएम की भूमिका, आपको एटीएम जो है प्रोवाइड करवा रहा है। पहला एटीएम अपने इंडिया के अंदर जो है वो स्टार्ट किया 1987 के अंदर, किसने, एचएसबीसी, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, जो इसको स्टार्ट किया था मुंबई के अंदर। ठीक है जी। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड, बैंक जो है वो प्लास्टिक कार्ड की भी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करवाता है। प्लास्टिक कार्ड के अंदर बेसिकली डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड हो गया, ये सब आ रहा है। फिर मेल ट्रांसफर, एक जगह से दूसरी जगह अगर ट्रांसफर करना है तो बैंक इसमें भी आपकी क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। टेली बैंकिंग का सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है, आप बैंकिंग सर्विस जो है वो टेलीफोन के ऊपर भी ले सकते हो। इंटरनेट बैंकिंग की सर्विस भी बैंक जो है वो आपको क्या कर रहा है, प्रोवाइड करवा रहा है। अराउंड द क्लॉक बैंकिंग, आप जब चाहे तब आप जो है पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो या जब आप चाहे तो आप बैंकिंग सर्विस को अवेल कर सकते हो। इसके अलावा मॉडर्न सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक के अंदर, सेंट्रलाइज बैंकिंग सॉल्यूशन, कहीं से पैसा निकलवा लो आपका अकाउंट हर जगह पे क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। ऑनलाइन टैक्स का पेमेंट भी जो है वो आप बैंकिंग माध्यम से कर सकते हैं। कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग जो है वो मतलब ऑनलाइन फंड ट्रांसफर, एक B2B अगर कोई ट्रांजेक्शन है वो भी आप यहां से कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग किया जा सकता है, ये सब सर्विस बैंक प्रोवाइड कर रहा है। रिटेल इंटरनेट बैंकिंग का सर्विस बैंक आपको प्रोवाइड कर रहा है। अगर फॉरन एक्सचेंज अगर आपको रिसीव हो रहा है या आपके पास में पड़ा है, अगर आप उसको एक्सचेंज करना चाहते हो और अपने होम करेंसी लेना चाहते हो, वो भी बैंक आपको प्रोवाइड करवा देगा। ई मनी इंडिया बेसिकली ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड, ई मनी का बेसिकली कुछ नहीं, जो पैसा आपका बैंक के अंदर जमा है तो आप उसको जो है आपको हार्ड कैश अपनी पॉकेट में रखने का जरूरत नहीं है। एक पिन, जो पिन आपके पास में पिन है, ठीक है, जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है, आप उसके माध्यम से कहीं पे भी किसी को भी जो है वो पेमेंट कर सकते हो या फिर आप जो आपके पास
प्लास्टिक मनी है उसके माध्यम से आप लोग जो है पेमेंट वेमेंट कर सकते हो। इसके अलावा ऑनलाइन रेलवे रिजर्वेशन ये भी करवा सकते हैं। डिपॉजिट सर्विस जो सर्विसेज होती हैं डिपॉजिटरी बेसिकली आपकी जो सिक्योरिटी है बैंक अपने पास में जो उसको सेल परचेज भी करवा सकता है या अपने पास आप उनके बैंक के पास में सिक्योर भी करवा सकते हो। ईएफटी का इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की भूमिका भी जो है वो बैंक निभा रहा है और आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है। ऑनलाइन बिल का पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं। कस्टमर केयर फैसिलिटी बैंक 24/7 प्रोवाइड कर रहा है एंड ऑनलाइन इंस्टा रेमिट आरडीजीएस सर्विसेज जो बैंक क्या कर रहा है आपको प्रोवाइड करवा रहा है। तो ये सब फैसिलिटीज जो बैंक आपको क्या कर रहा है प्रोवाइड करवा रहा है। अब बैंक का जो मेन काम होता है वो ये है, सबसे पहला मोबिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। मोबिलाइजेशन का मतलब जो है वो क्या होता है एक्सेप्ट करना। बैंक कैसे पहले जो है बैंक क्या करेगा पैसा एक्सेप्ट करेगा। बैंक सबसे पहले जो है वो क्या करेगा पैसा एक्सेप्ट करेगा किसके लिए फॉर द पर्पस। पर्पस जो है वो क्या है ऑफ लेंडिंग है या फिर इन्वेस्टमेंट है। ठीक है जी आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर ये देख लेना एक बार थोड़ा सा कि बैंक क्या करेगा पहले पैसे इकट्ठा करेगा कैसे डिपॉजिट लेगा टाइम डिमांड डिपॉजिट लेगा या शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म डिपॉजिट बैंक जो है वो लेगा। करंट एंड सेविंग अकाउंट से पैसा जो है बैंक के पास में आएगा मतलब यहां से बैंक के पास पैसा इकट्ठा हो गया। अब उस पैसे को आ गया तो बैंक क्या करेगा आगे उधार के तौर पर देगा लेंडिंग करेगा। लेंडिंग टू एग्रीकल्चर लेंडिंग टू प्रायोरिटी सेक्टर इंडस्ट्री हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग हो गया लेंडिंग टू हाउसहोल्ड सेक्टर हो गया सेंसिटिव सेक्टर हो गया फाइनेंसिंग ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी हो गया या फाइनेंसिंग टू फैक्टरिंग कंपनी हो गया इनको पैसा देगा या फिर बैंक जो है उनको क्या कर सकता है आगे इन्वेस्ट भी कर सकता है। इन्वेस्टमेंट के अंदर बेसिकली एसएलआर सिक्योरिटी जो आपका एसएलआर सेचुरल लिक्विडिटी रेशियो के अंदर जो सिक्योरिटी होती है लाइक जो इजली कन्वर्टेड टू कैश हो गया या फिर आपका जो गोल्ड हो गया इनमें भी पैसा बैंक इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये सब है बैंक जो पैसा बैंक के पास में आएगा उसको बैंक दो जगह पर यूज करेगा तो उसको लेंडिंग करेगा या इन्वेस्टमेंट करेगा। आगे अब कमर्शियल बैंक का जो रोल है वो क्या क्या है तो एक बार ये देख लीजिएगा। कमर्शियल बैंक जो है बहुत सारी भूमिका निभाता है डेवलपमेंट के अंदर भी तो ये सब है। तो लोगों से पैसा जो है मोबिलाइज करवाएगा दूसरा उसको असिस्ट करता है इनोवेशन में उसके लिए आपको फंडिंग प्रोवाइड करेगा। इम्प्लीमेंटेशन मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट देखो आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी छाप दिया लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करवाने का जिम्मा तो कमर्शियल बैंक का ही क्योंकि कमर्शियल बैंक तो उसका अडॉप्ट करेंगे। यस बैंक इन्फ्लुएंस करता है इंटरेस्ट रेट को भी हेल्पफुल है डेवलपमेंट प्रायोरिटी सेक्टर जो प्रायोरिटी सेक्टर है उनके लिए भी बैंक जो है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। प्रायोरिटी सेक्टर को पैसा प्रोवाइड करके बैंक जो है पूरे देश को चलाने का काम करते हैं। डायरेक्टिंग फंड्स इनटू डिजायर्ड चैनल हेल्पफुल प्रोडक्टिव एक्टिविटी एक्सपोर्ट के लिए इंप्लीमेंटेशन पॉलिसी होती है गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उनको इंप्लीमेंट गवर्नमेंट जो बैंक के जरिए करवाती है। तो ये सब फंक्शन परफॉर्म करके बैंक जो है वो देश के अंदर डेवलपमेंट फंक्शन को परफॉर्म करता है। इसके बाद में जो है वो आ रहा है आगे क्या टाइप ऑफ बैंक। टाइप ऑफ बैंक के नाम पे अलग अलग है ऑन द बेस ऑफ डोमिसाइल ऑन द बेस ऑफ सेकंड शेड्यूल ऑन द बेस ऑफ ओनरशिप ऑन द बेस ऑफ फंक्शन। सबसे पहले नंबर है एज पर सेकंड शेड्यूल ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो एज पर सेकंड शेड्यूल ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बैंक दो तरीके का एक आपका शेड्यूल बैंक और एक है कौन सा नॉन शेड्यूल। शेड्यूल बैंक जो है वो कौन सा होता है शेड्यूल बैंक जिसका नाम जो है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेकंड शेड्यूल के अंदर जो है वो क्या है बैंकिंग जिसका नाम आरबीआई एक्ट के सेकंड शेड्यूल के अंदर जो है वो क्या लिखा हुआ उसको बोलते हैं हम लोग क्या शेड्यूल बैंक। तो शेड्यूल बैंक इज वन विच इज रजिस्टर्ड इज द सेकंड शेड्यूल जो रजिस्टर्ड है किसमें सेकंड शेड्यूल ऑफ द आरबीआई। ओके अब शेड्यूल बैंक के लिए बैंक जो है वो ये सब जो आपकी कंडीशन उनको क्या क्या सेटिस्फाई करेगा पहला द बैंक कंसर्न मस्ट बी बिजनेस हो बैंक का जो है बैंकिंग का काम होना चाहिए। दूसरा मिनिमम पेड कैपिटल जो है वो कम से कम कितना हो 200 करोड़ हो पहले 5 लाख था अब इसको प्रेजेंटली जो है उसको क्या 200 करोड़ कर दिया था और लेकिन अब आज के डेट में जो है अगर आपको इंडिया में कोई भी बैंक जो ओपन करना है तो प्राइवेट बैंक के लिए जो मिनिमम पेड कैपिटल जो है वो 1000 करोड़ कर दिया है। ठीक है ना तो ये थोड़ा ध्यान रखना। दूसरा ऑर्फे बैंक जो है वो आरबीआई को सेटिस्फाई करेगा कि उसका जो काम है उसके जो अफेयर्स है आर नॉट कंडक्टेड मैनर डिटरमाइंड टू द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर मतलब वो लोगों के जो है मतलब ऐसा नहीं कि उनके अगेंस्ट है। ठीक है उनके हित में काम करेगा। और दूसरा इट इज ईदर या तो वो कंपनी होगा और या फिर वो जो है कोई भी कॉर्पोरेशन होगा जो किसी भी लो के अंडर जो वो क्या की गई है एस्टेब्लिश। तो अगर किसी बैंक का नाम जो है वो आरबीआई एक्ट के सेकंड शेड्यूल के अंदर क्या है दर्ज है तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या शेड्यूल बैंक और उसके अलावा जितने भी बैंक है उनको बोलेंगे नॉन शेड्यूल्ड बैंक। बस सेकंड नंबर पे आएगा ऑन द बेसिस ऑफ द डोमिसाइल। डोमिसाइल के बेस पर बैंक जो है वो अलग तरीके का एक है आपका फॉरेन बैंक एक आपका कौन सा डोमेस्टिक। फॉरेन बैंक कौन सा होता है टोटल मिला के अपने इंडिया में फॉरेन बैंक है 43 और फॉरेन बैंक वो है जिसने ध्यान देना फॉरेन बैंक का दोस्त बैंक जिसका जिसने अपना ब्रांच ऑफिस जो रजिस्टर्ड है कहां आउटसाइड इंडिया लेकिन उसने अपना ब्रांच ऑफिस खोल दिया कहां पे इंडिया में तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या फॉरेन बैंक। तो फॉरेन बैंक जो यहां पे अपनी ब्रांचेस के साथ में काम कर रहे हैं वो है टोटल मिला के कितने 43। इसके बाद सेकंड जो है वो है कौन सा डोमेस्टिक बैंक। डोमेस्टिक बैंक कौन सा जो रजिस्टर्ड भी कहां पे हुआ इनकॉर्पोरेट कहां पे हुआ इंडिया में और इंडिया के अंदर उसने ब्रांच ऑफिस के जरिए जो है वो क्या कर रहा है बैंकिंग का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है उसको बोलते हैं हम लोग क्या डोमेस्टिक बैंक। तीसरे नंबर पर आएगा ऑन द बेसिस ऑफ द ओनर
ओनरशिप, ओनरशिप के बेस पर जो है वो बैंक आपके तीन तरह के हैं। एक है पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक वो है जिसके अंदर मेजोरिटी पैसा जो है, मेजोरिटी ऑफ द होल्डिंग जो है किसके, गवर्नमेंट के, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, पब्लिक सेक्टर बैंक। इसके अंदर टोटल मिला के कितने हैं, 12 बैंक। 12 में से एक बताऊं आपको, ये जो पहले 12 बैंक है इन 12 में से 11 तो है आपके नेशनलाइज और एक है आपका एसबीआई। ये जो बैंक है, ये 12 बैंक जो है, इनके अंदर मेजोरिटी पैसा किसके लगा हुआ है, गवर्नमेंट का। इसके बाद पब्लिक सेक्टर के बाद दूसरा है प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन से बैंक होते हैं सर, प्राइवेट सेक्टर बैंक वो बैंक होते हैं जिसके अंदर मेजोरिटी पैसा किसका लगा हुआ है, प्राइवेट लोगों का, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्राइवेट सेक्टर बैंक। टोटल मिला के कितने हैं, 21 बैंक है। इसके बाद एक होता है कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक होता है जो बेसिकली इंडिविजुअल जो है या एक ग्रुप के लिए जो है बनाया जाता है। यहां पे बेसिकली क्या होगा, कुछ लोग जो है वो मिलकर एक बैंक को क्या कर लेंगे, क्रिएट कर लेंगे और उस बैंक का मेन काम जो है अपने मेंबर्स की वेलबींग करना होता है, उसको बोलते हैं जनरली हम लोग क्या, कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, आप कोऑपरेटिव बैंक का जो थ्री टायर होता है, मतलब तीन लेवल पे कोऑपरेटिव बैंक जो है वर्क करता है। एक है आपका प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर बना दिया, एक नगर नुगर में छोटा सा जो है वो एक आपने कोई सोसाइटी क्रिएट कर दिया, उसको बोलते हैं प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी। एक है सेंट्रल लेवल पर, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कमेटी बनती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो सोसाइटी बनाते हैं उसको बोलते हैं आप लोग क्या, सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो दे वर ऑर्गेनाइज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, दिस बैंक ऑफ फेडरेशन द प्राइमरी सोसाइटी इन अ सर्टेन एरिया और डिस्ट्रिक्ट, और कई सारे डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर जो सबसे अपेक्स लेवल की होती है उसको बोलते हैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक आर लाइकवाइज फेडरल, ये फेडरेशन तो किसका, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक इन द इन ए स्टेट। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक आल्सो नोन एज अपेक्स बैंक, तो इनको अपेक्स बैंक भी बोला जाता है। तो बेसिकली जो कोऑपरेटिव बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक का मेन काम जो है वो क्या, ये अपने जो इनके मेंबर्स है उनके कोऑपरेशन के लिए बनाया जाता है या उनके बेनिफिट के लिए बनाया जाता है। देख लो, कोऑपरेटिव बैंक कॉन्स्टिट्यूट अनदर इंपॉर्टेंट सेगमेंट है बैंकिंग का। कोऑपरेटिव बैंक आर दोस बैंक विच आर जॉइंटली रन, जिनको जॉइंटली रन किया जाएगा बाय किसके द्वारा, बाय द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा। द कोऑपरेटिव बैंक वर स्टार्टेड इन इंडिया विद द पासिंग ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। ओरिजिनली कोऑपरेटिव बैंक वर इंटेंड टू प्रोटेक्ट द स्मॉल प्रोड्यूसर स्पेशली द पुअर एग्रीकल्चरिस्ट आगे अगेंस्ट द माल प्रैक्टिस और द मनी लेंडर एंड टू प्रमोट द टर्फ। तो इसके लिए बेसिकली जो आप क्या करते हो, कोऑपरेटिव बैंक बनाते हो और ये तीन लेवल के ऊपर आप जो है थ्री स्ट्रक्चर इसका होता है। एक होता है आपका सबसे पहला कौन सा, प्राइमरी, ये होता है एक एरिया, छोटे से एरिया के अंदर आपने कोऑपरेटिव बैंक खोल दिया, कोऑपरेटिव सोसाइटी खोल दिया, उसको बोलते हैं प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी। कई सारी प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी का जो सिंडिकेशन होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक होता है एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ही मिलेगा आपको, और कई सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी अलग सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है उन सबको अगर आप जोड़ दो तो फिर एक जो बनता है वो है कौन सा, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। तो हर स्टेट के अंदर अलग अलग स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होते हैं। आगे इसके अलावा अकाउंट टू फंक्शन, फंक्शन के बेस पर जो है बैंक के, एक तो है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का मेन काम जो है वो क्या होता है, प्रॉफिट मेकिंग करना। ठीक है, तो अगर मान लो इंडिया के अंदर कोई भी ऐसा बैंक खुला है, ठीक है, जिसका मेन काम जो है वो कस्टमर को सर्व करके क्या करेगा, पैसा कमाना है, उसका मेन काम है, उसको बोलते हैं कमर्शियल बैंक। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बैंक आर कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न्ड है बैंकिंग सिस्टम के। दे आर द बैंक विच डू बैंकिंग बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट। तो ये वो बैंक होते हैं जो देश के अंदर बैंकिंग बिजनेस करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के अलावा एक है इंडस्ट्रियल बैंक। इंडस्ट्रियल बैंक का जो मेन काम होता है, जो ये क्या करते हैं, ये इंडस्ट्रीज को लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो है वो फंडिंग करने का काम करते हैं। इंडस्ट्रियल बैंक आर दोस बैंक विच ऑफर लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म लोन टू द इंडस्ट्री, इनको बोलते हैं हम लोग क्या, इंडस्ट्रियल बैंक। इसके अलावा एग्रीकल्चर बैंक है, जिनका मेन काम जो है वो क्या, देश के अंदर इकोनॉमी के अंदर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको फंडिंग प्रोवाइड करने का, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एग्रीकल्चर बैंक। एक होता है एक्सचेंज बैंक। एक्सचेंज बैंक जो होते हैं, इनका मेन काम जो है ये डील करते हैं किसके अंदर, फॉरेन करेंसी के अंदर। तो इनका मेन काम जो है वो क्या, डीलिंग इन द फॉरेन करेंसी होता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एक्सचेंज बैंक। एक होता है आपका सेविंग बैंक। सेविंग बैंक जो है वो कौन से होते हैं, इनका मेन एम जो है वो क्या, लोगों से छोटे छोटे सेविंग को क्या करना, इकट्ठा करना और फिर उसको जो है वो प्रोडक्टिव यूज के अंदर लगाना, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सेविंग बैंक। एक है इंडिगनस बैंक। इंडिगनस बैंक जो बेसिकली देसी बैंक जो पहले इंडिया में चलते थे, जो महाजन और ये सब चलाते थे ना, इनको बोलते हैं हम लोग क्या, इंडिगनस बैंक। इनका फाउंड जो है वो इंडिया के अंदर पाया गया। ये लोग क्या करते हैं, लोगों से जो है वो पैसा, लोगों को पैसा उधार देंगे, जैसे बड़े बड़े साहूकार, एग्जाम्पल भी जैसा मदर इंडिया के अंदर जो वो लाला होता है, वो उस तरह के लोग बेसिकली, जो एक पेटी सामने रख के जो है वो बैंकिंग करने का काम करते हैं, लोगों की प्रॉपर्टीज को अपने गिरवी रख लेते हैं और उसको, उसके ऊपर उनको जो है वो पैसा देंगे, किसानों से उनकी प्रॉपर्टी हथिया लेते हैं। तो इस तरह के जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इंडिगनस बैंक। ठीक है ना, इसके बहुत सारे डिफेक्ट थे। डिफेक्ट क्या थे, ओल्ड और आउटडेटेड मेथड है। इसके अंदर जो है ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के अंदर कोई भी डिस्ट्रिक्शन नहीं करता, सबके ऊपर सेम रेट से ब्याज चार्ज करते हैं। इसके अंदर बेसिकली ये क्या, ट्रेडिंग भी करता है, कमीशन बिजनेस भी करता है। ठीक है, और बहुत ही कम डेवलप्ड है ये। ठीक है, और ट्रांजेक्शन जो है वो लार्जली किसके अंदर होती है, कैश में होती है। और इंडिगनस बैंकिंग का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बहुत ही क्या रहता है, हाई रहता है, और ये अनऑर्गनाइज है। इसके ऊपर किसी भी रेगुलेशन, कोई किसी भी इंस्टीट्यूशन की रेगुलेशन जो है इसके ऊपर काम नहीं करती। इसलिए इसका तोड़ निकालने के लिए जो है वो क्या किया गया, हर गांव-गांव में जाके आरआरबी रीजनल रूरल बैंक को जो है ओपन किया गया, ताकि लोग इनके चंगुल से जो है वो निकल सके। एक होता है रिटेल बैंक। रिटेल बैंक जो है वो क्या होता है, बेसिकली जो इंडिविजुअल कस्टमर्स को जो है सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिटेल बैंकिंग। तो ये बेसिकली बैंक की फैसिलिटी होती है। ठीक है ना, आगे आरआरबी, अब बात करेंगे आरआरबी। तो देश को, देश
जब 1975 की बात है, उस टाइम पे जो है वो क्या था, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट जो है वो पूरे देश का एक दौरा किया, पूरे देश का एक चक्कर लगवाया, और उसके अंदर ये पाया कि भाई हमारी जो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है वो कहां पे रह रही है, मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो रह रही है कहां, रूरल एरिया में। तो रूरल एरिया को भी अपने को क्या करना है, उसका उत्थान करना है, और उसके लिए जो है वो ये बोला गया। उत्थान कैसे करेंगे भाई, वहां पे फैक्ट्री लगाने, फैक्ट्री लगाने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। अब पैसा कौन प्रोवाइड करेगा, तो इंदिरा गांधी को लगा यार ये बात तो सही है, सारा खेल तो पैसे पे टका हुआ है, और पैसा कौन देगा, तो पैसा देने के लिए इंदिरा गांधी ने बोला बैंकों को कि यार बैंक ओपन करो वहां पे, ठीक है। तो वहां पे बेसिकली जो है एक नया सिस्टम है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, आरआरबी। आरआरबी है रीजनल रूरल बैंक। यहाँ पे ना एक बैंक को कंसर्न, जो भी बैंक है, मान लो पीएनबी हो गया, एसबीआई हो गया, कोई भी एक बैंक है, उसको बोला जाएगा कि तो आप अपनी एक ब्रांच वहां पे ओपन करो। अब बैंक को घबराहट होती है, बैंक बोलता है यार अगर मैं किसी रूरल एरिया में बैंक की ब्रांच ओपन कर दूंगा मेरे को वहां से कमाई तो होनी नहीं है, और मेजोरिटी पैसा किसानों को देंगे, सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देंगे, तो कमाई कुछ होगी नहीं। तो बैंक जो गवर्नमेंट ने यह बोला तुम एक काम करो, तुम वहां पे जो है अपनी ब्रांच ओपन करो, 50% पैसा हम तुम्हें देंगे। अब 50% पैसा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, तो भाई स्टेट वो जो कंसर्न बैंक था वो बोला यार फिर भी 50% का तो मेरा नुकसान है, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट ये बोली कि यार चलो 15% हम आपको दे देंगे। तो टोटल जो पैसा कंट्रीब्यूट किया जाएगा आपके आरआरबी के अंदर वो कैसे होगा, 50-15-35 के रेशियो में 50% पैसा जो है वो लगाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, 15% पैसा जो है वो लगाएगी स्टेट गवर्नमेंट जिस स्टेट के अंदर आरआरबी ओपन किया गया, और 35% पैसा जो है वो लगाएगा कंसर्न कौन, आरआरबी जो भी बैंक है, ठीक है। तो हिस्ट्री की अगर बात करें तो देश के अंदर आरआरबी जो है वो सबसे पहले 1975 के अंदर जो ओपन किया गया, 5 आरआरबी को जो है वो ओपन किया गया था 2 अक्टूबर 1975 को, गांधी जयंती के उपलक्ष्य में जो है सबसे पहले 5 रीजनल रूरल बैंक को जो है वो क्या किया गया, ओपन किया गया था, ठीक है। और बाद में जब इन्होंने अच्छा काम किया तो 1976 के अंदर जो है आरआरबी का एक्ट जो है वो क्या कर दिया, पास कर दिया। तो शुरुआत कब हुआ, 1975 में, और इसका एक्ट जो बना वो कब बना, 1976 में, ठीक है ना, ये बात थोड़ा ध्यान रखना। और क्यों किया गया, क्योंकि अपना 70% से ऊपर की जो पॉपुलेशन है वो कहां रह रही थी, रूरल एरिया में था। पहला जो आरआरबी इंडिया के अंदर खुला था उसका नाम क्या था, प्रथम बैंक था, ठीक है। अब आरआरबी के अंदर जो है वो होल्डिंग देख लो, आरआरबी वाज ओन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट द स्पॉन्सर बैंक, ठीक है। हु हैड शेयर इन द रेशियो, द सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा मिलेगा कितना, 50%, स्टेट गवर्नमेंट का 15, और स्पॉन्सर बैंक का कितना, 35%। जैसे अगर पीएनबी अपनी कोई ब्रांच वहां पे खोल रहा है, तो पीएनबी का जो आरआरबी होगा ना वहां पे गांव के अंदर अगर खुला होगा, तो उस ब्रांच के अंदर पैसा जो है 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, 15% आपकी कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट का होगा, 35% किसका होगा, स्पॉन्सर बैंक का। लीगल एग्जिस्टेंस जो है वो क्या है, तो वो बता रखे कि आरआरबी जो है उसका एक्ट है आरआरबी एक्ट 1976, ठीक है, जो आरआरबी इसको क्या करता है, गवर्न करता है। टोटल मिला के आरआरबी कितने मालूम तुम्हें, 43, ध्यान रखना 43 आरआरबी करंटली इंडिया के अंदर जो है वो प्रेजेंट है। आगे अब एफडीआई का लिमिट थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, आरसेल जो कंपनीज होती है, एसएफडी कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसके अंदर जो है वो विदेशी पर्सन जो है वो यहाँ पे आके 100% एफडीआई जो लगा सकता है, और ऑटोमेटिक रूप से, उन तो गवर्नमेंट से परमिशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। बैंकिंग की अगर बात करें तो प्राइवेट सेक्टर बैंकों के अंदर जो हमने ये बोल दिया कि बाहर के विदेशी लोग जो है किसी प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो है 74% तक जो है वो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो है वो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि 49% तक तो ऑटोमेटिक रूट के जरिए कर सकते हो, आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेने का जरूरत नहीं है। 49 से अगर आप बियॉन्ड जाते हो तो 49 से लेकर 74 तक आप कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, तो आप गवर्नमेंट रूट से कर सकते हो। और जो पब्लिक सेक्टर के बैंक है वहां पे मेजॉरिटी जो एफडीआई अलाउड है वो कितना, सिर्फ 20% है, ठीक है। और जो सीआईसी होती है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, वहां पे कितना है, 100% है। अब अपने इंडिया के अंदर जो पब्लिक सेक्टर के बैंक है टोटल मिला के 12 है, नेशनलाइज बैंक जो है वो कितने, 11 है, प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक है वो कितने, 21 है, फॉरेन बैंक जो है वो कितने, 43 है, और जो आपके आरआरबी है वो भी कितने, 43। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो लोकल एरिया बैंक है वो आज के डेट में रह गए सिर्फ कितने, 2, एक है कोस्टल लोकल एरिया बैंक, एक है आपका कृषि बीमा समृद्धि लोकल एरिया बैंक, जो पहले था सुभद्रा जो है वो बंद हो गया। स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो टोटल मिला के जो है कितने हैं, 12, पेमेंट बैंक टोटल मिला के कितने हैं, 6 है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, पहले देश के अंदर जो है अगर आपने कोई भी बैंकिंग बिजनेस को ओपन करना था तो उसके लिए आपको बैंक से लाइसेंस लेना पड़ता था। लाइसेंसिंग के लिए बैंक ने बोल दिया कि कम से कम आपके 500 करोड़ का कैपिटल होना चाहिए, बट अब उस लिमिट को बढ़ा के 1000 करोड़ कर दिया। तो अगर आप इंडिया में कोई भी बैंक ओपन करना चाहते हो तो आपको पहले आरबीआई से लाइसेंस लेना पड़ेगा, और आरबीआई की सबसे पहली जो कंडीशन है वो ये है कि आपकी जो वो है क्या, कैपिटल, वो कम से कम कितना होना चाहिए, 1000 करोड़। तो मिनिमम इनिशियल कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है फॉर द लाइसेंसिंग ऑफ द न्यू बैंक शुड बी अनाउंस फ्रॉम द 500 करोड़ से बढ़ा गया, कितना कर दिया, 1000 करोड़ फॉर यूनिवर्सल बैंक। यूनिवर्सल बैंकों के लिए जो है, यूनिवर्सल बैंक जितने भी अपने इंडिया में जो भी बैंक खुले हुए हैं, मेजोरिटी जो भी आपके पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर है वो यूनिवर्सल बैंक है, तो बेसिकली जो है पैरा नॉर्मल बैंकिंग के साथ में पैरा बैंकिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। और स्मॉल जो फाइनेंस बैंक थे उनके लिए जो ये कर दिया वो कितना कर दिया, 200 से लेके 300 करोड़ कर दिया। तो पहले 200 करोड़ थी, अगर आपने इंडिया में कोई भी स्मॉल फाइनेंस
बैंक ओपन करना है तो उसकी कंडीशन 200 से बढ़ा के जो है वो कितना कर दिया 300, तो कम से कम 300 करोड़ की कैपिटल आपके पास में होनी चाहिए तभी आपको जो लाइसेंस मिलेगा। तो अगर आप इंडिया में कोई बैंक ओपन करना चाहते हो तो ये कुछ कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला इनिशियल मिनिमम पहले कितना था 500 की जगह जो कितना हो गया 1000 करोड़ हो गया। दूसरा जो इंडिविजुअल जो है प्रोमोटर्स जो होंगे वो कौन होंगे, जो भी अपने इंडिया में यूनिवर्सल बैंक को प्रमोट कर रहे हैं तो वो इंडिविजुअल वो होगा जिसको कम से कम 10 साल का जो है वो क्या होगा एक्सपीरियंस होगा बैंकिंग या फिर फिनांस के अंदर, ठीक है। इसके बाद लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेस को वहां से क्या कर दिया एक्सक्लूड कर दिया, जो लार्ज इंडस्ट्रियल हाउस से लाइक टाटा हो गया, बिरला हो गया, अंबानी हो गया, इनको बोल दिया कि तुम बैंक नहीं खोलोगे। हाँ, आप किसी भी बैंक के अंदर 10% तक मेजोरिटी होल्डिंग जो वो ले सकते हो कि आप, बट यू आर परमिटेड टू इन्वेस्ट इन बैंक अप टू 10%। फिर नॉन ऑपरेटिव फाइनेंस होल्डिंग कंपनी जो है वो क्या करते हैं नॉन मैंडेटरी करते हैं, इनकेस ऑफ प्रोमोटर बिंग इंडिविजुअल स्टैंड लोन प्रोमोटिंग और कन्वर्टिंग एंटिटी हु डू नॉट हैव अदर ग्रुप एंटिटी, नहीं तो आपको NOFSC जो है ओपन करना पड़ेगा। कम से कम 51 नोट लेस देन कम से कम 51% टोटल जो पैसा होगा वो किसका लगा होना चाहिए आपका प्रोमोटर का होना चाहिए उसके अंदर। FDI का मैक्सिमम जो लिमिट है वो कितना है 74% का है, ठीक है। उसके बाद बिजनेस जो है वो आप क्या करोगे सबमिट करोगे RBI को और वो बिजनेस प्लान आपका जो है वो रियलिस्टिक होना चाहिए और वायबल होना चाहिए तभी बैंक जो है वो आपको RBI जो है वो तभी आपको क्या करेगा लाइसेंस प्रोवाइड करेगा। एंड बैंक शेल गेट इट्स शेयर लिस्टेड और आप अपने शेयर को जो है वो क्या करोगे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्ट करोगे विद इन 6 ईयर ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस और बैंक जो है वो क्या करेगा कम से कम अपनी 25% टोटल ब्रांचेस का कम से कम 25% ब्रांचेस है वो कहां पे ओपन करेगा अनबैंक्ड जो है वो एरिया में, ऐसे एरिया में जहां पे कोई पहले से बैंक नहीं है। तो बोलते हैं 25% ऑफ द ब्रांच इन द अनबैंक्ड रूरल सेंटर एंड शुड कंप्लाई विद द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट। तो अगर आपको इंडिया के अंदर कोई भी बैंक ओपन करना है तो ये सब कंडीशन आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसके बाद आता है फॉरेन बैंक। भाई फॉरेन बैंक क्या है, तो फॉरेन बैंक का मतलब क्या हो गया कोई भी ऐसा बैंक जो रजिस्टर्ड है और उसका हेडक्वार्टर जो है वो कहां पे जो रजिस्टर्ड है आउटसाइड इंडिया है उसने ब्रांच ऑफिस खोल दिया कहां पे इंडिया में तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या फॉरेन बैंक, ठीक है जी। ओके। तो सबसे पहले अपने इंडिया के अंदर जो फॉरेन बैंक जो खुला वो था चार्टर्ड बैंक ऑफ इंडिया, सेनेट चार्टर्ड बैंक फोर रनर ओपन इस ऑफिस इन कलकत्ता 1858 में आफ्टर रिसीविंग रॉयल चार्टर फ्रॉम द क्वीन विक्टोरिया। उसके बाद फिर ये HSBC आ गया और सब आपके आते गए, ठीक है। मेन जो बात है वो ये है इंडिया में जब भी फॉरेन बैंक को आप कोई भी लाइसेंस देंगे तो उसके लिए ना दो चीजें होंगी, पहला रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी का मतलब ये अगर मान लो अमेरिका का कोई बैंक इंडिया में आके और अपनी ब्रांच ओपन करना चाहता है तो हम इंडियन गवर्नमेंट अमेरिका की गवर्नमेंट को बोलेगी हम आपके ब्रांच को यहां पे तब अलाउ करेंगे अगर आप हमारी यहाँ की किसी बैंक की ब्रांच को वहां पे ओपन करने के लिए क्या करते हो अलाउ करते हो। तो रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल के ऊपर काम करेंगे जैसे को तैसा, डेट मीन्स अगर हम आपकी ब्रांच को यहाँ पे ओपन होने दे रहे हैं तो आप भी हमारी बैंक की ब्रांच को वहां पे ओपन होने देंगे। और दूसरा जो है वो क्या होगा सिंगल मोड ऑफ प्रेजेंस होगा आपका। सिंगल मोड ऑफ प्रेजेंस मतलब या तो आप इंडिया के अंदर ब्रांच मोड के जरिए काम करोगे या होली ओन सब्सिडियरी ओपन करके आप क्या करोगे काम करोगे, ठीक है जी। तो फॉरेन बैंक के लिए कुछ कंडीशन है, पहला कम से कम 500 करोड़ की कैपिटल, लेकिन अब ये भी बढ़ा के जो कितना कर दिए 1000 CR कर दिए। मिनिमम CRAR जो है तो वो कम से कम कैपिटल जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कम से कम आप कितना मेंटेन करोगे 10% हो गया। अच्छा प्राइवेट सेक्टर टारगेट जो है वो आपके लिए कितना है 40% का, कम से कम 40% पैसा जो भी आप लेंडिंग करोगे उसका कम से कम 40% प्राइवेट सेक्टर को आप जो है वो क्या करोगे लेंडिंग करोगे, ठीक है। इसके बाद आगे तो सिंपल था, एडवांटेज कुछ ज्यादा काम के नहीं इसको तो क्या ही करूं। फिर है कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक जो है वो क्या बोलो जल्दी से सर, कोऑपरेटिव बैंक अभी बताया भी था जो बिलोंग्स करते हैं किसको मेंबर्स को, तो कोऑपरेटिव बैंक इज अ फाइनेंशियल एंटिटी जो बिलोंग करते हैं किसको मेंबर को, हु आर एट द सेम टाइम, और वही मेंबर जो वो बैंक के क्या है ओनर भी और वही जो मेंबर्स है वो बैंक के कस्टमर भी हैं, ठीक है। तो ये जो बैंक एस्टेब्लिश किया जाता है तो ये क्या एक लोकल या प्रोफेशनल कम्युनिटी हैविंग ए कॉमन इंटरेस्ट उनके लिए किया जाएगा। इट इज फॉर्म टू प्रमोट द अपलिफ्टमेंट ऑफ द फाइनेंशियली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इसका मेन पर्पज जो है वो क्या होगा, ये बेसिकली जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसको प्रमोट करने के लिए बनाया जाता है एंड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द मनी लेंडर हु प्रोवाइड लोन एट द अनरीजनेबली हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट टू द नीडी। तो ये बेसिकली सोसाइटी बना लेंगे तो सोसाइटी के अंदर बेसिकली जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनको जोड़ा जाएगा और उनको बोला जाएगा कि अगर तुमको पैसा चाहिए तो आप कोऑपरेटिव बैंक से जो है वो आप ले सकते हो, आपको बाहर से हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जो है पैसा उठाने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे बेसिकली जो है वो क्या म्यूचुअल हेल्प हो गया, डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग होता है एंड ओपन मेंबरशिप होता है, कोई भी पर्सन यहाँ पे आके जो है वो मेंबर बन सकता है। हर शेयर होल्डर का जो है वो क्या रहेगा एक वोट रहेगा और नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर ये काम करते हैं, ठीक है। जो भी कोऑपरेटिव बैंक इंडिया के अंदर खुलेगा तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंदर जो है वो क्या होगा रजिस्टर्ड होगा, ठीक है जी। और इसको जो है रेगुलेट किया जाएगा किसके द्वारा, RBI के द्वारा और NABARD के द्वारा, ठीक है जी। करेक्टरिस्टिक क्या क्या है कोऑपरेटिव बैंक के, सबसे पहला कस्टमर ओन्ड एंटिटी, मतलब इसके अंदर जो ये इसके अंदर इसके जो कस्टमर होंगे कोऑपरेटिव बैंक के वही उसके क्या होंगे मालिक होंगे। दूसरा डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल होता है, हर मेंबर को जो है वो क्या रहेगा एक राइट रहेगा ओके वोटिंग का। फिर प्रॉफिट एलोकेशन जो है वो कैसे होगा आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे,
इंक्लूजन होता है रूरल मास से बहुत सारे लोग जो इसके अंदर क्या होते हैं इंक्लूड होते हैं। फंक्शन क्या क्या है ये परफॉर्म करते हैं, तो फंक्शन बता रखा है इट प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू पीपल फॉर स्मॉल मींस एंड प्रोटेक्ट देम, और उनको जो है वो क्या करता है जो बड़े बड़े मनी लेंडर्स हैं जो हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर पैसे प्रोवाइड करते थे उनसे बचाने का काम करता है। ये सुपरवाइज और गाइड करता है एफिलिएट सोसाइटी को, रूरल फाइनेंसिंग भी करता है, अर्बन फाइनेंसिंग के अंदर ये बेसिकली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को पैसा प्रोवाइड करता है, और ये मोबिलाइज करता है फंड फ्रॉम द मेंबर्स एंड प्रोवाइड इंटरेस्ट टू द इन्वेस्टेड कैपिटल। ओके, फिर फंक्शन है बेसिकली फंक्शन के अंदर ये है कि रूरल फाइनेंसिंग और माइक्रो फाइनेंसिंग प्रोवाइड करना, ये रिमूव करता है डोमिनेंस ऑफ द मनी लेंडर एंड मिडलमैन, तो ये सब जो है इसका मेन क्या होता है फंक्शन होता है। अब स्ट्रक्चर जो रहेगा वो कैसे रहेगा, तो स्ट्रक्चर के नाम पे हम यहाँ पे बोलते हैं कि जो कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम है इंडिया के अंदर उसको डिवाइड करते हैं इनटू शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली जो तीन लेवल है स्टेट सेंट्रल और प्राइमरी, तो प्राइमरी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है बनती है आपके विलेज लेवल पे, जो सेंट्रल स्टेट कोऑपरेटिव होता है ये होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और जो स्टेट कोऑपरेटिव होता है ये सबसे अपेक्स बैंक है ये होता है आपके स्टेट लेवल पे। ठीक है, लॉन्ग टर्म के अंदर दो है, एक है आपका स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक और एक है आपका प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। टाइप ऑफ कोऑपरेटिव बैंक इन इंडिया के अंदर आपको मैंने बता दिया, एक है आपका सबसे पहले कौन सा प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, फिर है सेंट्रल, और फिर आएगा कौन सा आपका स्टेट। इसके अलावा कुछ लैंड डेवलपमेंट बैंक भी जो है वो इंडिया के अंदर ऑपरेट होते हैं, ये बात ध्यान रखना, कुछ लैंड डेवलपमेंट बैंक भी हमने बना रखे हैं ये भी इंडिया के अंदर जो ऑपरेट होते हैं। दे आर ऑर्गेनाइज इन द थ्री टायर स्टेट सेंट्रल एंड द प्राइमरी लेवल विद ऑब्जेक्टिव टू मीट द लॉन्ग टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट, तो ये बात ध्यान रखना फार्मर्स की अगर कोई लॉन्ग टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट है तो उसको पूरा करने के लिए हमने बना रखे लैंड डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो नाबार्ड जो है इन बैंक को जो है वो क्या करता है सुपरवाइज करता है बैंकिंग सेक्टर, जो एग्रीकल्चर बैंक है ना उनके ऊपर जो अपेक्स बॉडी है वो कौन है नाबार्ड, ध्यान रखना। फिर कुछ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है वो भी प्रिपेयर किए गए, इनका मेन काम जो है वो क्या है, ये लोकेटेड होते हैं अर्बन और सेमी अर्बन एरिया में, अर्लियर द स्कोप this bank was restricted which now has been considerably widened, they provide fund and facility to small borrower and the small businesses। cooperative bank jo hai india ke andar wo fund karte hain rural as well as under the agriculture, kis kis sector mein wo deal karte hain agriculture ke liye paisa provide karenge, livestock ke liye, milk nursery and personal finance ke liye, cooperative bank in india finance urban area ke andar in purpose ke liye wo paisa jo hai wo kya karte hain provide karwate hain। main baat ye hai ki aap se ye puch sakte hain apex level pe kaun sa, ye thoda sa dhyan rakhna। इसके बाद इंपोर्टेंस ज्यादा काम की नहीं, फिर एडवांटेज क्या कोऑपरेटिव बैंक, अगर आप कोऑपरेटिव बैंक ओपन करते हैं तो उसका पहला एडवांटेज इजी टू फॉर्म, बनाना बहुत ही इजी है, 25 लाख की कैपिटल से आप जो है इस बैंक को ऑपरेट कर सकते हो, अल्टरनेट क्रेडिट सोर्स है, बैंकों के पास जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से पैसा मिल जाएगा, चीप क्रेडिट सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलेगा, सेविंग और इन्वेस्टमेंट को ये क्या करते हैं एनकरेज करते हैं, एंड एडवांसमेंट इन द फार्मिंग, इससे जो है वो ये क्या करेगा ये फार्मिंग के लिए आपको पैसे प्रोवाइड करेंगे, नई टेक्निक आपको जो है वो ला के देंगे, तो उसके आपकी फार्मिंग के अंदर भी जो है वो क्या आएगा एडवांसमेंट आएगा। लेकिन इसकी कुछ कमी है, कमी के नाम पर सबसे पहली कमी जो इसकी निकल के आ रही है वो है क्या स्मॉल कैपिटल बेस, कैपिटल बेस बहुत क्या रहते हैं कम, छोटा लोन आपको मिल जाएगा लेकिन बड़े लोन के लिए तो आपको कमर्शियल बैंक को ही अप्रोच करना पड़ेगा। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यहां पे थोड़ा सा ज्यादा रहता है, आरबीआई का भी सुपरविजन था और नाबार्ड का भी, तो यहां पे दो इकट्ठा सुपरविजन से जो है कई बार ये मिसमैचिंग हो जाती है। डुअल कंट्रोल है वो आपको मैंने बता दिया अभी, आरबीआई और रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट दोनों इसमें बीच में जो है वो क्या करती है इंटरफेयर करती है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इसकी थोड़ी कमी रहती है, और फाइनेंस के लिए डिपेंड जो है ये किस पे आरबीआई हो गया नाबार्ड हो गया इनके ऊपर या फिर अपने मेंबर्स के ऊपर डिपेंड रहता है, और यहाँ पे लोन जो है वो क्या होते हैं ओवरड्यू है, और ओवरड्यू का मतलब जो है बेसिकली ये कि मेंबर पैसा ले लेंगे लेकिन फिर चुकाने का काम नहीं करते हैं, तो ये थोड़ी सी इसकी जो है वो क्या है समस्या है। ओके जी, मेजर टू बी टेकन इसको करने का जरूरत नहीं है। लो जी, ये हो गया आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो आज का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट हमने किया अभी उसके अंदर हमने पढ़ा टाइप ऑफ बैंक के बारे में, तो इंडिया के अंदर जितने जो भी बैंक अलग अलग तरह के बैंक जो ऑपरेट हो रहे हैं अलग अलग सेक्शन के अंदर या अलग अलग सेक्टर के अंदर वो हमने पढ़ लिया। अब हम लोग जो वो स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर थर्ड जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की अगर बात करते हैं तो आरबीआई जो है वो है अपने देश का सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक का मतलब ये हो गया कि अपने देश के अंदर जितने भी आपके बैंक हैं उन सबके ऊपर जो है वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स जो है या रेगुलेशन करने का जो जिम्मा है वो दिया गया किसको आरबीआई को। तो आरबीआई जो है उसको बनाया गया ऑन द रिकमेंडेशन था हिल्टन यंग कमीशन, तो 1926 के अंदर हिल्टन यंग कमीशन को सेटअप किया गया था, उसने अपना रिपोर्ट दिया, उसी रिपोर्ट के बेस पर जो है 1934 के अंदर आरबीआई का एक्ट पास किया गया जिसको बोलते हैं आरबीआई एक्ट 1934, और फिर उसके बाद में जो है वो 1 अप्रैल 1935 से जो है वो आरबीआई जो है वो फोर्स के अंदर आ गया और आरबीआई ने अपना काम करना शुरू कर दिया। जब आरबीआई को बनाया तो उसका प्रीएम्बल में लिखा गया आरबीआई जो है वो क्या करेगा रेगुलेट करेगा इश्यू ऑफ द बैंक नोट, देश के अंदर बैंक नोट छापने का काम आरबीआई करेगा, दूसरा मेंटेन करेगा रिजर्व, ठीक है, अपने देश में मॉनेटरी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए रिजर्व मेंटेन करेगा, और ये क्रेडिट एंड करेंसी सिस्टम को जो है वो क्या करेगा ऑपरेट करेगा कंट्री के एडवांटेज के लिए। शुरुआती टाइम की अगर बात करें तो सबसे पहले 1926 में रॉयल कमीशन या हिल्टन यंग कमीशन को सेटअप किया गया था, उसने रिकमेंड किया कि अपने इंडिया के अंदर एक जो है सेंट्रल बैंक होना चाहिए जिसको नाम रखना चाहिए क्या आरबीआई। 1931 के अंदर जो है फिर क्या हुआ इंडियन सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी थी उसने ये रिवाइव किया इशू ऑफ द सेबी तो आरबीआई को एज ए सेंट्रल बैंक, और फिर 5 मार्च 1934 को जो वो क्या हुआ आरबीआई का एक्ट 1934 पास किया गया और एक स्टैच्यूटरी बेस दे दिया कि अब हम एक बैंक को बनाने जा रहे हैं इसका नाम रहेगा क्या
आरबीआई, ठीक है जी। इसके बाद फिर क्या हुआ, जब 1937 के अंदर 1935 में आरबीआई को बना दिया, फिर 37 के अंदर जो बर्मा है वो म्यांमार जो है वो बेसिकली देश से जो है वो क्या हुआ, इंडिया से अलग हुआ। तो 1937 में जो वो अलग है, लेकिन 37 से लेकर के भी 1947 तक जो है वो आरबीआई जो अपने अपने इंडिया का आरबीआई था उसी ने जो है वो बर्मा के रिजर्व बैंक के तौर पे जो है वहां पे उसकी भूमिका निभाई। पाकिस्तान 47 में जो है वो क्या हो गया, अलग हो गया। तो जून 1948 तक जो है इंडिया का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसने जो पाकिस्तान के लिए भी रिजर्व बैंक की भूमिका निभाई थी। तो ये बात थोड़ा सा जो है वो ध्यान रखना। उसके बाद गवर्नमेंट जब अपना देश आजाद हुआ तो गवर्नमेंट ने 1949 के अंदर बेसिकली जो है वो आरबीआई को क्या कर दिया, नेशनलाइज कर दिया। और आरबीआई को नेशनलाइज करने के बाद में जो है गवर्नमेंट ने क्या किया, उसके जितने भी शेयर्स थे वो सारे जो है वो क्या कर लिए, एक्वायर कर लिए। और तब से ये गवर्नमेंट का जो है वो क्या है, बैंक है। और इसमें 100% होल्डिंग जो है वो किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। एस्टेब्लिशमेंट हो गया, तो कब एस्टेब्लिश हुआ, अप्रैल 1, 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 में। शुरुआत के अंदर इसका जो हेड ऑफिस था वो कहां पे एस्टेब्लिश किया गया, कलकत्ता में। और बाद में उसको परमानेंटली शिफ्ट कर दिया कहां पे, बॉम्बे में 1937 में। सेंट्रल ऑफिस हुआ जहां पे कौन बैठता है, गवर्नर बैठता है, ओके। और जहां पे पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया जाता है, ठीक है। ओरिजिनली तो ये क्या था, प्राइवेटली ओन था, लेकिन गवर्नमेंट 1949 के अंदर इसको जो है वो क्या कर दिया, नेशनलाइज कर दिया। और नेशनलाइज करने के बाद में आरबीआई जो है वो क्या, फुली ओन्ड बैंक है किसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इसके प्रीएम्बल में जब आरबीआई को बनाया गया तो उसकी एक प्रस्तावना लिखी गई, और प्रस्तावना में क्या लिखा होता, आरबीआई जो है वो क्या करेगा, रेगुलेट करेगा इशू ऑफ द बैंक नोट एंड कीपिंग द रिजर्व विद अ व्यू टू सिक्योर द मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया एंड जनरली टू ऑपरेट द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ द कंट्री टू इट्स एडवांटेज। मेंबर एंड कंट्रोल की बात करते हैं तो आरबीआई जो है उसके अंदर टोटल मिला के जो है वो 21 मेंबर का जो है वो क्या रहेगा, बोर्ड रहेगा, जिनमें एक तो होंगे अपने गवर्नर, गवर्नर साहब हमारे जो है वो कौन है, शक्तिकांता दास जी हैं, ठीक है। उसके बाद में चार होंगे डेप्यूटी गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर के नाम पे ये चार हैं अपने, एमके जैन हो गया, डॉक्टर एमडी पात्रा हो गया, डॉक्टर एमआर राव हो गया, डॉक्टर टी रविशंकर हो गया, ठीक है। दो ऑफिसर है जिनको अपॉइंट किया किसने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, और 10% है जो जिनको अपॉइंट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो देश के स्ट्रक्चर पर अपने राय व्यक्त करेंगे। और चार अपने इंडिया के अंदर लोकल बोर्ड आरबीआई के, तो उनके चार लोकल बोर्ड के गवर्नर हैं। 21 लोग मिलकर के जो आरबीआई को चलाने का काम करते हैं। सेंट्रल बोर्ड के अतिरिक्त जो है, सेंट्रल बोर्ड कहां पे, बॉम्बे में, और गवर्नर जो है 25वें गवर्नर अपने कौन है, शक्तिकांता दास, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड के अलावा चार बोर्ड और भी हैं, कहां कहां पे, जो मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई और न्यू दिल्ली में। अब तक 25 लोगों ने इसको जो है वो क्या किया, गवर्न किया। पहला जो गवर्नर था आरबीआई का, आरबीआई क्योंकि देखो 47 से पहले बना, मतलब आजादी से पहले बना, तो उस टाइम जो फर्स्ट गवर्नर था आरबीआई का वो था सर ओसबोर्न स्मिथ, ठीक है। उसके बाद आजादी के बाद में जो पहला इंडियन गवर्नर जो बना था वो तीसरे नंबर पे बना था, उसका नाम था सीडी देशमुख, ठीक है। अभी जो थे हमारे शक्तिकांता दास, इससे पहले जो थे वो कौन थे, उर्जित पटेल, उससे पहले कौन थे, रघुराम राजन। टोटल मिला के 4 साल के पीरियड के लिए इनका जो है वो क्या होता है, अपॉइंटमेंट होता है। आगे फिर सेंट्रल बोर्ड का जो अपॉइंटमेंट रहेगा कितने दिनों के लिए रहेगा, 4 साल के लिए। सेंट्रल बोर्ड का अपॉइंटमेंट कितने दिनों के लिए रहेगा, 4 साल के लिए। आगे फिर फाइनेंशियल सुपरविजन, देश के अंदर फाइनेंशियल सेक्टर को सुपरवाइज करने के लिए बेसिकली एक बॉडी को जो है एस्टैब्लिश किया गया, जिसको बोलते हैं बीएफएस, बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन। इसको नवंबर 1994 को जो है वो क्या किया, कॉन्स्टिट्यूट किया गया, ठीक है। अब अगर बात करते हैं इस सुपरविजन के लिए, तो अपने देश के अंदर टोटल मिला के आरबीआई के जो क्या 19 रीजनल ऑफिस है। सब्सिडी के नाम पर अगर बात करें तो सब्सिडी टोटल मिला के आरबीआई का जो फुली ओन्ड सब्सिडी है वो कितनी है, 5, जिसके अंदर कौन कौन, सबसे पहले डीआईसीजीसी, ठीक है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एक है बीआरबीएन एमपीएल, बोलते भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, एक है आपका रैबिट बोलते रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, एक है आपका आईएफटीएस, जिसके अंदर आएगा इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विस, और एक है आपका आरबीआईएच, बोलते रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। तो ओवरऑल मिलाकर आरबीआई की फुली ओन सब्सिडी जो है वो कितनी आपकी, 5 है, याद करके जाइएगा कितनी है, 5। ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है बीएफएस का, बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन का मेन ऑब्जेक्टिव वो क्या है, ये कंसोलिडेट सुपरवाइज करेगा किसको, फाइनेंशियल सेक्टर को, कंप्राइजिंग कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड द नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, ठीक है जी। अब देश के अंदर बेसिकली हम लोग जो है वो क्या सुपरवाइज करने के लिए बैंकों की करवाते हैं रेटिंग के नाम पे आपके पास में 2 आएगा, एक है आपका कैमल रेटिंग, एक है कौन सा, कैलकस रेटिंग। तो आरबीआई की एक वर्किंग कमेटी के हेड थे एस पद्मनाभम, उन्होंने अपनी एक वर्किंग ग्रुप के जो हेड थे, उन्होंने अपना जो है वो ये रेटिंग का जो स्टैंडर्ड जो है उसको क्या किया, बताया, ठीक है। तो मेथड ऑफ रेटिंग जो उन्होंने बताया था, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, कैमल रेटिंग, और एक है कौन सा, कैलकस। तो बेसिकली जो आपके डोमेस्टिक बैंक है उनके लिए जो रेटिंग है वो है कौन सा, कैमल रेटिंग, ठीक है। और जो कैलकस रेटिंग है वो किसके लिए, फॉरेन बैंक के लिए। यहां पे बेसिकली जो आरबीआई जो वो क्या करेगा, बैंकों को रेट करेगा 5 पॉइंट स्केल पे, ए से लेके ई तक, ठीक है।
अब क्या है कैमल्स जो है सी ए एम ई एल एस, तो ये है सी से बनेगा कैपिटल डी के रेशियो, हर बैंक जो प्रॉपर कैपिटल अपने पास मेंटेन करेगा। ए से एसेट क्वालिटी, अच्छी एसेट होनी चाहिए, एनपीए नहीं होनी चाहिए। एम से मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, ई से अर्निंग, एल से लिक्विडिटी एंड एस से सिस्टम एंड कंट्रोल। तो ये छह पैरामीटर के बेस पर जो है हर बैंक की जो है वो की जाएगी क्या रेटिंग किया जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग क्या कैमल्स रेटिंग। एक एक कैलकस जो आपके फॉरन बैंक है उनके लिए जो रेटिंग होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या कैलकस रेटिंग, ठीक है जी। इसके बाद में अब आरबीआई के फंक्शन आएंगे, फंक्शन के नाम पे सबसे पहले है ट्रेडिशनल फंक्शन और एक है कौन सा डेवलपमेंट। ट्रेडिशनल फंक्शन के अंदर आरबीआई के जो तीन फंक्शन है, सबसे पहले आएगा सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन। सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन के अंदर आरबीआई जो क्या काम करेगा, पहला इश्यू होता पेपर करेंसी, तो देश के अंदर जो है वो सिक्के छापने का काम, कॉइन अप टू 50 पैसा उसको बोलते हैं स्मॉल कॉइन, एंड कॉइन अप टू 1 रुपया एंड अबव उसको बोलते हैं हम लोग क्या रूपी कॉइन। तो देश के अंदर सिक्के छापने का काम, चाहे वो 50 पैसे का, चाहे उससे ऊपर के जो सिक्के हैं, चाहे वो स्मॉल कॉइन है, चाहे वो रूपी कॉइन है, उनको छापने का जो जिम्मा है सिक्के छापने का वो है किसके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में। और 1 रुपए तक का नोट जो वो छापने का जिम्मा किसके पास है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में। 1 रुपए से ऊपर के डिनोमिनेशन के जो भी नोट है, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50, 100, 500, 1000, 2000, व्हाटएवर जो भी, तो वो सब छापने का जो जिम्मा है वो दिया गया किसको, आपके आरबीआई को, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना, एक ना ये ध्यान रखना, कॉइन कैन बी इश्यू अपटू डिनोमिनेशन ऑफ 1000 एज पर द कॉइनेज एक्ट। तो अपने इंडिया में जो कॉइनेज एक्ट है उसके अंदर ये बोला गया कि 1000 रुपए तक के सिक्के जो है वो छापे जा सकते हैं, ठीक है। आगे तो पहला काम जो है इश्यू द बैंक नोट, दूसरा काम जो है रेगुलेशन द क्रेडिट। देश के अंदर जो है आरबीआई जो है वो क्या क्रेडिट पॉलिसी को भी क्या करता है, रेगुलेट करता है कमर्शियल बैंकों के लिए। तो मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए जो है आरबीआई क्या करता है, देश में क्रेडिट का फ्लो कितना करना है उसको प्रमोट करने का, उसको मैनेज करने का काम करता है। बैंकर बैंक आरबीआई जो है वो बैंकों के लिए जो और कमर्शियल बैंक है उनके लिए बैंकर की भूमिका जो है निभाने का काम करता है। बैंक ऑफ द गवर्नमेंट आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट के लिए भी जो है वो एक बैंक की भूमिका निभाने का काम करता है। रेगुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, देश के अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज है फॉरेन करेंसी उसको रेगुलेट करने का काम जो है वो आरबीआई के पास में। एंड अदर फंक्शन जैसे एक्सपोर्ट के लिए असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, अगर आप एक्सपोर्ट करें तो आपको फंडिंग प्रोवाइड करने का काम करेगा, क्लियरिंग ऑफ फैसिलिटी हो गया, चेंज ऑफ करेंसी अगर आपने करेंसी को एक्सचेंज करवाना ये हो गया, ट्रांसफर करेंसी हो गया, ये सब काम में भी आरबीआई आपको क्या करता है हेल्प करता है। या पब्लिक ऑफ इंफॉर्मेशन, कई बार आरबीआई जो है वो क्या करता है टाइम टू टाइम पे जो है वो क्या डेटा को पब्लिश करेगा और वो आपको क्या करेगा हेल्प करता है। दूसरा कंट्रोल तो नेशनलाइज्ड बैंक को कंट्रोल करने का भी काम करता है, एंटरटेनिंग इन द बैंकिंग। फिर जनरल बैंकिंग फंक्शन के अंदर आरबीआई जो है वो क्या करता है, पैसा अदर सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, अदर प्राइवेट इंडिविजुअल विदाउट पेइंग ऑफ एनी इंटरेस्ट उनसे क्या करेगा, पैसे को क्या करता है एक्सेप्ट करता है। ये बात ध्यान रखना आरबीआई के पास जो भी पैसा आता है आरबीआई उसके ऊपर कभी भी जो है इंटरेस्ट पे नहीं करता, ठीक है। बिल डिस्काउंट करने का काम करेगा, एडवांसिंग लोन करता है, डील इन द फॉरेन सिक्योरिटी, डील इन द कॉस्टली मेटल एंड डील विद अदर कंट्री बैंक। प्रोहिबिटिव फंक्शन, यहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है, आरबीआई की ये प्रोहिबिटिव फंक्शन है, आरबीआई ये काम कभी भी नहीं करेगा। द बैंक कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द ट्रेड कॉमर्स इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, आरबीआई कभी भी जो है वो ट्रेड कॉमर्स या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के अंदर जो है वो एंगेज नहीं होगा। आरबीआई कैन नॉट परचेज ओन शेयर, खुद के शेयर जो है ओपन मार्केट से कभी भी परचेज नहीं करेगा। इट कैन नॉट गिव एनी लोन अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इट कैन नॉट परचेज इमूवेबल प्रॉपर्टी बियॉन्ड इट्स नीड, कभी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को अपनी नीड से ज्यादा जो है परचेज नहीं करेगा। आरबीआई कैन नॉट पे एनी इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, जो भी इंस्टीट्यूशन या जो भी बॉडी अगर आरबीआई के अंदर पैसे जमा कराते तो आरबीआई उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करेगा। आरबीआई कैन नॉट एडवांस लोन विदाउट सिक्योरिटी, और कोई भी लोन जो विदाउट सिक्योरिटी है कभी भी जो है वो आपको एडवांस नहीं करेगा। डेवलपमेंट फंक्शन के अंदर आएगा सबसे पहले प्रमोशन एग्रीकल्चर फाइनेंस, एग्रीकल्चर फाइनेंस के लिए आरबीआई ने जो है नाबार्ड को एस्टेब्लिश भी जो है वो करवा रखा है। प्रमोशन इंडस्ट्रियल फाइनेंस, इंडस्ट्रियल फाइनेंस के लिए अपने देश के अंदर आईडीबीआई है और अपने देश के अंदर सिड भी जो है वो खुला हुआ है, ठीक है। इसके बाद प्रमोशन ऑफ फाइनेंस फॉर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट के लिए अपने इंडिया के अंदर जो है वो एक्जिम बैंक जो है वो खुला हुआ है। प्रमोशन ऑफ बैंकिंग, बैंकिंग को प्रमोट करने के लिए आरबीआई टाइम टाइम पे जो है वो रेगुलेशन जो है वो निकालता रहता है। मॉनेटरी पॉलिसी को आरबीआई जो टाइम टाइम पे क्या करता है फ्रेम करता है। अपने इंडिया के अंदर जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो है आपका बाई मंथली पॉलिसी, हर दो दो महीने के अंदर जो है वो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी देश के अंदर लाता है, देश के अंदर क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए। अभी जैसे अभी चल रहा है क्या, आज तारीख है अपना 7 फरवरी, तो अभी जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी अब नई आने वाली है फरवरी और मार्च की, ये लास्ट होगी, छठी बाई मंथली पॉलिसी। अभी करंट के अंदर जो रेट चल रहे हैं वो आपकी पांचवी बाई मंथली पॉलिसी के चल रहे हैं, जो थी आपकी दिसंबर और जनवरी का, ठीक है ना। चलो जी आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है मॉनेटरी पॉलिसी का, तो देश के अंदर बेसिकली एक्सपेंशन करना, मॉनेटरी मनी सप्लाई को एक्सपेंड करना, ठीक है, और कंट्रोल्ड वे में, वो आपका ऑब्जेक्टिव है किसका, मॉनेटरी पॉलिसी का। सेक्टर एलोकेशन ऑफ फंड्स, ये सब काम करता है। अचीवमेंट, ये अपना कुछ ज्यादा काम करें, आप सीधा यहां पर आ जाओ अपना। व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी, तो मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली एक पॉलिसी जो फ्रेम कर दी है किसने, आरबीआई ने, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या मॉनेटरी पॉलिसी। और अब आरबीआई नहीं करता बल्कि आरबीआई की एक कमेटी है, कमेटी का नाम है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, वो जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी देश के अंदर जो है वो क्या करती है बनाने का काम करती है, ठीक है। तो आरबीआई को जो पावर मिला हुआ है कि आरबीआई जो है वो क्या करेगा देश के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का काम करेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जो रहेगा मॉनेटरी पॉलिसी का वो क्या,
इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना रिगार्डिंग द बेंचमार्क जो इंटरेस्ट रेट होते हैं, लाइक बैंक रेट हो गया, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, एसएलआर हो गया, सीआरआर हो गया, तो उनसे रिलेटेड जो भी डिसीजन होते हैं वो सब लिए जाते हैं किसके अंदर, आपके मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। कंपोजिशन की अगर बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो उसके अंदर 6 मेंबर रहेंगे, ठीक है। द 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो उसको बनाया गया सेक्शन 45ZB के अंदर ऑफ द अमेंडेड RBI एक्ट 1934 में, ओके। ये कमेटी जो है वो डिसाइड करेगी वेरियस पॉलिसी रेट लाइक रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, MSF हो गया, ये सब, ठीक है। सबसे पहले MPC, देखो MPC से पहले, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से पहले देश के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी सिर्फ RBI खुद बनाता था, लेकिन बाद में जो है वो जो उर्जित पटेल हैं उन्होंने अपनी कमेटी के जरिए जो है वो उर्जित पटेल कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया सरकार को कि भाई कमेटी अगर बनानी है तो आप मतलब अगर मॉनेटरी पॉलिसी बनानी है तो उसका जिम्मा जो है वो अकेला आरबीआई नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी कुछ लोग होने चाहिए जो अपनी राय व्यक्त करके और एक कंसोलिडेशन के साथ में जो है बेसिकली क्या करें, एक राय के ऊपर आए, मतलब सभी लोग मिलकर के जो डिसाइड करें। तो वहां पे जो फिर ये बोला गया कि ठीक है यार, एक काम करते हैं हम, अब ना एक बॉडी बनाते हैं, बॉडी का नाम रहेगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, और उस कमेटी के अंदर 3 बंदे आरबीआई के बैठेंगे और 3 बंदे सेंट्रल गवर्नमेंट के बैठेंगे, और वो कंसेंसस के जरिए जो है वो क्या करेंगे, कमेटी जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का काम करेगी, ठीक है। तो अब आज की डेट में अगर हम बात करें तो 3 बंदे जो है वो इस टोटल 6 बंदे हैं ना मॉनेटरी पॉलिसी के, ये देखो 6 मेंबर हैं, इन 6 में से 3 जो है वो होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के और 3 जो है वो हैं किसके, 3 को तो अपॉइंट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, 3 होंगे आपके आरबीआई के। आगे तो सेक्शन 1 को याद रखना, सेक्शन जो है वो क्या, सेक्शन 45ZB, ठीक है। अब 6 मेंबर होंगे, ठीक है, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो कहां बनाई जाती है, आपके मुंबई जो हेडक्वार्टर वहां पे बनाया जाएगा, ठीक है जी। कंपोजिशन जो है एमपीसी का, अभी करंट के अंदर अगर हम बात करते हैं 2023 की, तो आज के डेट में जो आपके कंपोजिशन है उसके अंदर 6 मेंबर है, एक तो है आपके शक्तिकांत दास, एक है आपके शशांक भिड़े, एक है आशिमा गोयल, एक है जगन्नाथ आर वर्मा, एक है राजीव रंजन, एक है माइकल देवर्ता पात्रा, ये टोटल लगे 6 लोग हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर है, और ये लोग जो है वो मिलकर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो बनाते हैं। अब मॉनेटरी पॉलिसी जो है आरबीआई का बेसिकली उसके अंदर जो है वो 2 तरह के मेजर्स है, एक आपका क्वांटिटेटिव, एक आपका क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मेजर्स को जो है वो जनरल मेजर भी बोला जाता है, ठीक है। अब यहां पे अच्छा एक तो ये ध्यान रखना कि लेटेस्ट मीटिंग जो अभी हुई, ठीक है, वो हुई थी आपकी 5 से 7 दिसंबर 2022 को, और जो अगली कमेटी है उसकी मीटिंग जो है अब हो रही है 6 से लेकर 8 फरवरी तक, ठीक है। तो कल शाम तक जो है वो नई मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो आ जाएगी, जो अपनी मार्च के लिए होगी बेसिकली, मतलब फरवरी और मार्च के लिए होगी, जो 6ठी पॉलिसी आनी है, क्योंकि हर 2-2 महीने में आ रही है, तो अगर टोटल मिला के 1 साल में जो है 12 महीने हैं, तो 12 महीने डिवाइड में 2 करोगे तो 6 पॉलिसी हो गया, तो 5 अभी तक आ चुके हैं। जो लेटेस्ट जो 5वीं आई थी वो है कौन सा, जो 5 से लेकर 7 दिसंबर तक चली और उसके रेट्स आ गए। अब आगे जो मैं ये रेट लिख रखे हैं ये सारे के सारे रेट वही है जो उसके हैं, जो अपनी 5वीं पॉलिसी के हैं, ठीक है ना। हालांकि रेट से क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि हर 2-2 महीने में रेट चेंज हो रहे हैं, तो वहां से क्वेश्चन जल्दी बनता नहीं है, लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे बैंक रेट क्या होता है ये क्वेश्चन आप आ सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे जो क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स हैं उसके अंदर आएगा बैंक रेट। बैंक रेट जो है वो कितना, 6.5% है अभी। बैंक रेट वो रेट होता है जिसपे एक देश का कमर्शियल बैंक, एक देश का सेंट्रल बैंक जो है वो अपने कमर्शियल बैंक को जो है लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए फंडिंग करने का काम करता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, बैंक रेट। इसको डिस्काउंट रेट भी बोला जाता है। एक है ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक जो है वो आरबीआई जो है ओपन मार्केट में जाकर ओपन मार्केट में जाकर के सिक्योरिटीज का लेन देन भी करता है, सिक्योरिटी को सेल परचेस करने का काम करता है, और सिक्योरिटी के सेल परचेस के जरिए जो है आरबीआई जो है देश के अंदर क्रेडिट कंट्रोल करने का काम करता है। फिर सीआरआर, सीआरआर बेसिकली बैंक के टोटल एंटिटी का वो पोर्शन जो बैंक्स को, कमर्शियल बैंक को अपना रिजर्व बैंक के पास में जो है जमा कराना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ कैश या इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट, तो उसको बोलते हैं सीआरआर। फिर एक है एसएलआर, एसएलआर सेचुरल लिक्विड रेशियो, ये है कितना, 18%। एसएलआर बेसिकली आपके एनडीटीएल का वो पोर्शन जो एक कमर्शियल बैंक को अपने पास में जो है वो लिक्विड फॉर्म में हमेशा रखना होता है, उसको बोलते हैं क्या, एसएलआर। एक होता है रेपो रेट, रेपो रेट का मतलब क्या हो गया, रीपर्चेस रेट। ये रेट बेसिकली क्या, अगर किसी भी कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक से अगर लोन चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए, तो बैंक जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब सेंट्रल बैंक शॉर्ट टर्म के लिए अगर कमर्शियल बैंक लोन देगा तो उससे जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा वो है क्या, रेपो। और अगर मान लो कमर्शियल बैंक के पास में कुछ एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है तो वो उस पैसे को पार्क कर सकता है कहां पे, आपके आरबीआई के पास, और आरबीआई के पास जो इंटरेस्ट देगा वो है आपका कौन सा, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। और एक होता है MSF, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी, अगर एकदम आपको इमरजेंसी पैसे का नीड है तो वो भी आप आरबीआई से जाकर ले सकते हो, उसके लिए जो रेट है वो है 6.50%, ठीक है जी। अब ये बाय मंथली पॉलिसी के रेट में लिख रखे हैं, रेपो रेट जो है वो कितना, 6.25 है अभी करंट। ये फिफ्थ इस साल की पांचवी मॉनेटरी पॉलिसी है, ठीक है, उसके रेट। और ये कब की है, दिसंबर से जनवरी की, और एक लास्ट आ गई फरवरी और मार्च की, वो भी कल रात तक आ जाएगी आपका,
ठीक है, बट रेट अंदर याद करने का जरूरत नहीं है, ध्यान रखना अभी रेट उसके लगभग सेम ही रहने। रेपो रेट जो है वो कितना है 6.25 है, अभी रिवर्स रेपो रेट है 3.35, एमएसएफ जो है वो है 6.50, बैंक रेट आपका 6.50, स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी है 6%, सीआरआर है आपका 4.5% और एसएचएल लिक्विड रेशियो जो है वो 18, इन दोनों को अगर जोड़ दो ना 22.5 हो गया ना, ये इनको बोलते हैं हम लोग क्या रिजर्व रेशियो, इन दोनों को जोड़ दो तो ये बंदे क्या रिजर्व रेशियो, ठीक है ना। आगे बढ़ो, इसके बाद क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स के अंदर बेसिकली क्या आएगा, सीलिंग ऑफ क्रेडिट, आरबीआई अगर चाहे तो वो क्रेडिट मतलब पैसे के ऊपर जो है वो क्या रोक भी लगा सकते हैं, ठीक है, कि किस पर्पस के लिए आपको पैसे देना है किस पर्पस के लिए नहीं। मार्जिन रिक्वायरमेंट आरबीआई जो है वो ये भी कर सकता है कि भाई आप अगर एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर मान लो कस्टमर आपके पास आता है, कमर्शियल बैंक को बोल देगा आरबीआई कि अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई पर्सन अगर आपके पास लोन लेने आता है तो आप उसे इतना इतना सिक्योरिटी का डिमांड करेंगे, तो सिक्योरिटी को भी बढ़ा भी सकते हैं, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट को बढ़ा भी सकते हैं कम भी। फिर डीआईआर डिस्क्रिमिनेटिव इंटरेस्ट रेट, अलग अलग सेगमेंट के लिए जो है वो अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आप जिस सेक्टर को आपने इंक्रीज बढ़ाना है प्रमोट करना है तो उसके लिए आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर दोगे कम कर दोगे ताकि लोगों के पास उन सेक्टर के स्पेसिफिक जो है वो पैसा ज्यादा पहुंचे। फिर आरबीआई टाइम टू टाइम पर जो है क्या करता है डायरेक्टिव भी इशू करता है, फिर डायरेक्ट एक्शन अगर कोई बैंक जो है वो आरबीआई की बात को नहीं मानता तो आरबीआई उसके खिलाफ जो है डायरेक्ट एक्शन ले लेता है, और यह मोरल सिचुएशन आरबीआई जो है मोरल प्रभाव भी डालता है जिसके जरिए आरबीआई ये परसुएड करता है कमर्शियल बैंक कि आप हमारी मॉनेटरी पॉलिसी को जो है एडहेयर कीजिए, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी में जो बातें लिख रही है आपको फॉलो करनी पड़ेंगे। फिर है बैंकिंग ओबर्समैन स्कीम, बेसिकली बैंक कई बार ना कस्टमर के साथ में बहुत मतलब गलत करते हैं, जैसे सबसे ज्यादा नाम जो बदनाम है वो है एसबीआई का, आपने देखा होगा कि वो मतलब कस्टमर को बढ़िया तरह से सर्व नहीं कर रहा। आप कस्टमर जो है बैंक के अगर मान लो वो परेशान रहेंगे तो अगली बार वो बैंक के अंदर अपना खाता नहीं खुलवाएंगे जिससे देश का नुकसान हो जाएगा, तो उसके लिए जो है वो अपने इंडिया के अंदर जो है बैंकिंग ओम्बर्समैन स्कीम जो है वो क्या किया गया स्टार्ट किया गया, तो 2006 में सबसे पहले स्कीम को जो है वो 1995 सॉरी स्कीम को जो है सबसे पहले क्या किया स्टार्ट किया गया। बैंकिंग ओम्बर्समैन स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसके अंदर बेसिकली जो है वो क्या होगा, अगर मान लो बैंक के जो कस्टमर है उनकी कोई भी शिकायत है उसका निपटान अगर करना है जल्दी निपटान करना है तो बैंक का कस्टमर पहले तो अप्रोच करेगा बैंक को कि भाई ये समस्या को दूर करो, अगर बैंक नहीं करता समस्या का समाधान करने में डिनाई करता है तो बैंक के कस्टमर के पास में एक राइट है कि वो इसको बैंकिंग ओबर्समैन को जाकर जो है वो शिकायत कर सकता है, ठीक है। तो बैंकिंग ओबर्समैन स्कीम बेसिकली जो है वो किसके लिए है, ये एक एक्सपीडियस एंड इन एक्सपेंसिव फोरम है फॉर बैंक कस्टमर का फॉर रिजोल्यूशन द कंप्लेंट रिलेटिंग टू द सर्टेन सर्विसेज रेंडर्ड बाय द बैंक, ठीक है। अब बैंकिंग ओबर्समैन कौन होगा, तो सीनियर ऑफिशियल जिसको अपॉइंट किया आरबीआई ने वो जो है इसका कौन होगा बैंकिंग ओबर्समैन होगा, मेन बंदा होगा, ठीक है ना, तो ये बात थोड़ी ध्यान रखना। अभी चेयरपर्सन जो है बैंकिंग ओबर्समैन के वो है जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती, ठीक है। इसके बाद हाउ मेनी बैंकिंग ओबर्समैन हैव बीन अपॉइंटेड, अभी तक जो है वो टोटल मिला के अपने 22 रीजनल ऑफिसेज हैं इसके, ठीक है। कौन कौन से बैंक कवर्ड है बैंकिंग ओबर्समैन स्कीम में, शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो गया, आरआरबी हो गया, शेड्यूल प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स हो गया, ये सब बैंक जो है वो कवर है किसके अंदर आपके बैंकिंग ओबर्समैन के अंदर। किन ग्राउंड्स पे आप कंप्लेंट कर सकते हो, ये सब ग्राउंड दे रखे हैं, जैसे अगर डिले कर दिया पेमेंट आप निकलवाने के पेमेंट आपको नहीं किया, बैंक में पैसा जमा करवाने के टाइम पे नहीं हुआ, आपका चेक क्लियर नहीं किया, कोई और सर्विस देने में डिनाई कर दिया, तो इन सब दिक्कतों के खिलाफ आप जो है वो बैंकिंग ओबर्समैन को शिकायत लगा सकते हो। लेकिन एक खास बात है, क्या आप कब फाइल करेंगे, अगर आपने जो है पहले बैंक को बोला था और बैंक ने अगर उसके ऊपर रिप्लाई नहीं किया तो आप बैंकिंग ओबर्समैन को जाकर शिकायत करोगे। अगर आपका मामला अभी भी बैंक के साथ में चल रहा है तो फिर आप उससे पहले जब तक मामला सेटलमेंट नहीं हो जाता तब तक आप जो है वो बैंकिंग ओबर्समैन को शिकायत नहीं कर सकते। वन कैन फाइल ए कंप्लेंट बिफोर द बैंकिंग ओबर्समैन इफ द रिप्लाई इज नॉट रिसीव फ्रॉम द बैंक, अगर बैंक से रिप्लाई नहीं आया विद इन पीरियड ऑफ 1 मंथ आफ्टर द बैंक कंसर्न हैज रिसीव वन कंप्लेंट और द बैंक रिजेक्ट द कंप्लेंट, तो आपने जब बैंक को कंप्लेंट किया और बैंक एक महीना हो गया आपके कोई रिप्लाई नहीं है या फिर आपकी कंप्लेंट को बैंक ने रिजेक्ट कर दिया तो आप बैंकिंग ओबर्समैन को शिकायत कर सकते हो। व्हेन विल वन कंप्लेंट नॉट बी कंसीडर, आप किस केस में बैंकिंग ओबर्समैन वाला जो पर्सन है वो आपकी कंप्लेंट को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, पहला अगर आपने बैंक को अप्रोच नहीं किया सीधा शिकायत बैंकिंग ओबर्समैन को लगाना चाहते हो तो नहीं होगा, दूसरा वन एस नॉट मेड द कंप्लेंट विद इन 1 ईयर, अगर आपने एक साल के अंदर कंप्लेंट ही नहीं किया जिसने आपका वो डिफेक्ट राइज हुआ था सर्विसेज में उसके एक साल के अंदर अगर आपने जो है वो क्या किया कंप्लेंट ही नहीं किया तो आप नहीं जा सकते हो, या फिर जो है वो क्या अगर आपका जो मैटर है वो भी पेंडिंग पड़ा हुआ है उस केस में, या अगर आपकी कंप्लेंट जो है वो फ्रिवलस नेचर की है, अगर आप तुच्छ किस्म की आपने कंप्लेंट कर दिया बिना बात के बैंक की डिग्निटी को खराब करने के लिए अगर आपने कंप्लेंट कर दिया तो भी इस केस में भी, या इंस्टीट्यूशन कंप्लेंट अगेंस्ट इज नॉट कवर्ड अंडर द स्कीम, या जिसके लिए आप केस करने जा रहे हो अगर वो इस स्कीम के अंडर जो है वो कवर्ड नहीं है, तो इन केसेस के अंदर बेसिकली आपकी जो एप्लीकेशन है आपकी जो प्ली है वो एक्सेप्ट नहीं होगी। प्रोसीजर जो है वो बेसिकली क्या रहेगा, तो आपको जो है वो राइटिंग लिखित के अंदर आपको जो है वो रिपोर्ट देना पड़ेगा प्लेन पेपर के ऊपर, ठीक है। वेयर कैन वन लॉज हिज ओर कंप्लेंट, तो बैंकिंग ओबर्समैन आपके ज्यूरिसडिक्शन में जो बैंकिंग ओबर्समैन का ऑफिस है वहां पे जाके अपनी कंप्लेंट को लॉज कर सकते हो। क्या कंप्लेंट को ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के जरिए भी लॉज किया जा सकता है, यस
तो आप द कंप्लेंट कैन बी फाइल बाय वन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। क्या कोई फी है उसकी? तो कोई भी फी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इज देयर एनी लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ द कंपनसेशन? कितना लिमिट है? तो 20 लाख रुपए तक आपको कंपनसेशन मिलेगा, और अगर मेंटल एग्नी का केस हो गया तो 1 लाख रुपए का एडिशनल कंपनसेशन भी आपको मिलेगा। क्या क्या डिटेल है? तो ये डिटेल आपको जो है वो भेजनी पड़ती है, क्या पंगा हुआ था वो सब आपको जो है डिटेल्स के अंदर जो है आपको लिख के देना पड़ेगा। व्हाट हैपन आफ्टर द कंप्लेंट रिसीव? जब भी बैंकिंग ओवर्समैन के पास में कंप्लेंट आएगा तो बैंकिंग ओवर्समैन वाला जो है वो क्या करेगा? मेडिएशन करवाने का काम करेगा। ठीक है, कैन द बैंकिंग ओवर्समैन रिजेक्ट आपकी कंप्लेंट को? रिजेक्ट भी कर सकते हैं, yes। तो ये कुछ केसेस हैं, इन केस के अंदर वो आपकी कंप्लेंट को रिजेक्ट भी कर सकता है। व्हाट हैपन इफ द कंप्लेंट इज नॉट सेटल्ड बाय द एग्रीमेंट? अगर नहीं हुआ तो वो क्या करेगा? अवार्ड लेटर जो पास कर देगा। अगर एग्रीमेंट के जरिए सेटल नहीं हुआ तो अवार्ड लेटर पास करेगा, और जिसके अंदर बैंकिंग ओवर्समैन जो है वो बैंक को जो है वो ऑर्डर भी दे सकता है कि आप इसको क्या करो, कंपनसेट करो। क्या कोई रिकोर्स अवेलेबल है? अगर बैंकिंग ओवर्समैन डिसीजन से आप सेटिस्फाई नहीं हो तो क्या? हाँ जी, आप आगे जो है वो अपीलेट ट्रिब्यूनल को जो है वो क्या कर सकते हो? अप्रोच कर सकते हो। आगे, इज देयर एनी टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग अपील? यस, जिस दिन वो अवार्ड लेटर, मतलब अगर अपील में जाना है, मतलब अपीलेट ट्रिब्यूनल को अगर अप्लाई करना है, तो जिस दिन बैंकिंग ओवर्समैन ने अपना फैसला सुनाया उसके 30 दिन के अंदर आप जो है वो आगे अपील में जा सकते हो। अब जो अपीलेट अथॉरिटी है, जो कोर्ट है, वो कैसे आपकी अपील को जो है वो क्या करेगी? सेटल करेगी। या तो आपके अपील को डिसमिस भी कर सकता है, या आपके अपील को अलाउ करके और जो अवार्ड दिया गया था बेसिकली जो आपको कंपनसेशन मिला उसको जो है रिवाइज भी कर सकता है, या वो मैटर दोबारा बैंकिंग ओवर्समैन को भी भेज सकता है कि भाई फ्रेश इसके ऊपर जो है वो क्या करो, सुनवाई करो, या आपके अवार्ड को मॉडिफाई भी कर सकता है, या पास एनी अदर ऑर्डर एज इट डीम फिट। तो इस केसेस के अंदर ये सब केसेस है, इस तरीके से जो अपीलेट अथॉरिटी है वो आपके केस की सुनवाई कर सकती है। ओके, तो बैंकिंग ओवरसमैन स्कीम बेसिकली जो है 1995 में शुरुआत जो है वो किया गया, बाद में मेजर अमेंडमेंट 2006 में भी हुआ, फिर 2017 में भी हुआ। मेन जो पर्पस था वो यही था कि जो बैंक के जो कस्टमर्स है तो उनकी जो कंप्लेंट्स है उसको इजिली जो है वो जल्दी जल्दी क्या करें, सोल्यूशन करें, तो उसके लिए स्कीम को जो शुरुआत किया गया। ओके जी सर, लो जी, ये हो गया आपका चैप्टर नंबर सेकेंड। अब आते हैं हमारे चैप्टर नंबर फोर्थ पे, सॉरी ये थर्ड हो गया था, चैप्टर फोर जो है वो है आपका बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म की अगर बात करें तो देखो, इंडिया के अंदर आपको मैंने बताया पहले 1969 के अंदर गवर्नमेंट ने जो है वो क्या किया, 14 बैंकों को नेशनलाइज किया। फिर 1980 के अंदर गवर्नमेंट ने जो है 6 बैंकों को नेशनलाइज कर दिया। फिर एक बैंक को जो है बाद में पीएनबी के अंदर जो है मर्ज कर दिया था। तो ओवरऑल मिला के अगर हम बात करते हैं तो अपने यहाँ पे 19 बैंकों को जो है नेशनलाइज कर दिया गया था। और फिर देश के अंदर जो है वो क्या हुआ, अब जब ये गवर्नमेंट बैंक बनेंगे तो इंटरेस्ट बट एक्चुअली ये थोड़ा सा क्या रहेगा, कम ही रहेगा, और बैंकिंग सेक्टर भी पूरा जो है पिछड़ गया था। फिर 1991 के अंदर जो है एलपीजी पॉलिसी आई, तो वहां पर जो है वो फाइनेंशियल सेक्टर में भी क्या किया गया, रिफॉर्म। और बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म इज अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। ओके, तो पहला फेज जो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म का हुआ उसको बोलते हैं नरसिम्हम कमेटी। ठीक है, नरसिम्हम कमेटी रिपोर्ट या फर्स्ट वे तो बैंक सेक्टर रिफॉर्म जो है 1991 के अंदर स्टार्ट किया गया। तो नरसिम्हम कमेटी ने अपना जो रिपोर्ट है उसको सबमिट किया 17 दिसंबर 1991 को पार्लियामेंट में। उसने अपना कुछ रिकमेंडेशन दिया। सबसे पहले उसने ये बोला लोवरिंग द एसएलआर सीआरआर। तो पहली जो उसने रिकमेंडेशन दिया वो ये बोला कि भाई जो एसएलआर और जो सीआरआर उसको आप क्या करो, लोवर करेंगे। मतलब जो स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो या आपका जो करंट रिजर्व कैश रिजर्व रेशियो है इनको कम करो। जितना पैसा ये क्या रहेगा, कम रहेगा, उतना बैंक के पास ज्यादा फ्री पैसा रहेगा और बैंक उसको आगे जो है वो क्या कर सकता है, उस पैसे को बैंक आगे जो है वो उधार के तौर पर भी दे सकता है। दूसरा, प्रूडेंशियल लोन एनपीए को रोकने के लिए जो प्रूडेंशियल लोन जो है वो क्या किया गया, जारी किए गए। कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स, बैंक को ये बोला गया कि बैंक जो है एडिक्वेट कैपिटल अपने पास में जो है वो क्या करेगा, मेंटेन करेगा, ताकि बैंक रन की सिचुएशन राइज ना हो। डीरेगुलेशन ऑफ द इंटरेस्ट रेट को डीरेगुलेट किया गया और बैंकों को बोल दिया कि अब आप खुद जो है वो डिमांड और सप्लाई बोलते मार्केट फोर्सेस के बेस पर जो है वो इंटरेस्ट को जो है वो आप सेट कर सकते हो। रिकवरी और डेट के लिए जो है वो क्या, 6 स्पेशल रिकवरी ट्रिब्यूनल जो है वो क्या किया गया, बनाया गया, और डीआरटी भी यहां पे क्या किया गया, बनाया गया। न्यू जो प्राइवेट सेक्टर बैंक थे उनसे जो कंपटीशन मिला और नए प्राइवेट सेक्टर बैंकों को जो है वो क्या किया गया, लाइसेंस दिया गया। तो सबसे पहला राउंड जो स्टार्ट हुआ 1993 में 10 बैंकों ने अप्लाई किया था, जिनमें से 6 अभी भी वर्किंग है और 4 जो वो क्या हो गए, क्लोज हो गए। ओके, जो 6 वर्किंग है उनमें HDFC हो गया, ICICI हो गया, IDBI हो गया, इंडसइंड इंक्लूडिंग ये इंडसइंड है, और फिर UTI हो गया, DCB हो गया। ठीक है, सेकंड राउंड जो हुआ 2001 में उसके अंदर 2 बैंकों को लाइसेंस मिला, एक था आपका कोटक और एक था कौन सा, यस बैंक। और थर्ड राउंड के अंदर बेसिकली 2013 में जो हुआ 23 बैंकों ने जो है उसके लिए क्या किया, अप्लाई किया था, लेकिन उन्होंने 2 को लाइसेंस मिला, एक था आपका बंधन बैंक और एक कौन सा, IDFC, जो अभी चल रहे हैं आपके। ठीक है, तो अब जो है वो सम इन प्रिंसिपल कंडीशन जो है वो क्या है कि आपको एक तो वो 1,000 करोड़ का मिनिमम कैपिटल होना चाहिए, 25% ब्रांच आपको जो है वो ओपन करें कहां पे, अनबैंक एरिया में। तो जो 33 बैंकों ने अप्लाई किया था उनमें से 2 को यूनिवर्सल बैंक का जो है लाइसेंस मिला, 11 को पेमेंट बैंक का और 10 को स्मॉल फाइनेंस बैंक। और आज के डेट में स्मॉल फाइनेंस बैंक हमारे पास में ओनली एंड ओनली कितने, 6 हैं।
आगे फेज आउट किया डायरेक्ट क्रेडिट को, मतलब उसने रिकमेंडेशन दिया कि जो आपका प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है, ठीक है, जो आपने रिकमेंड, आपने ये बोल रखा है 40% तो बैंक जो है प्रायोरिटी सेक्टर को ही उधार देंगे, तो उसको आप कम करके 10% कर दो, जिससे जो बैंक है उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो क्या होगी, एनहांस होगी। फिर असेस टू द कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट को बैंक को जो है वो राइट मिलना चाहिए कि बैंक जो है वो क्या पब्लिक इशू जो वो लेके आता और पब्लिक इशू के जरिए बैंक जो है पैसा रेस कर ले। ऑपरेशन फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन होना चाहिए, मतलब बैंक जो है गवर्नमेंट को बीच में जो है वो अड़ंगा नहीं करना चाहिए, बैंक जैसा मन चाहे उस तरीके से अपने काम को ऑपरेट करे। लोकल एरिया बैंक का प्रावधान जो डाला गया, सो 7 लोकल एरिया बैंक को लाइसेंस मिला और आज के डेट में ओनली कितने 2 ही हैं। सुपरविजन किया गया कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक को सुपरवाइज करने के लिए बेसिकली जो है वो बनाया गया अपना क्या बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन था, और इसके अंदर BFS था, बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन, जिसने रेटिंग भी दिया कैलकस रेटिंग और कैमल रेटिंग। तो ये सब रिकमेंडेशन दिया नरसिम्हम कमेटी 1 में, बहुत सारी इसकी बातों को जो माना भी गया, लेकिन उसके बाद भी सुधार ढंग से नहीं हुए, तो उसके बाद फिर 1999 के अंदर जो है वो दोबारा से जो है वो एक कमेटी जो है एस्टेब्लिश किया गया इसी नरसिम्हम की, उससे क्या बोलते हैं फिर इन्हीं को बोला गया कि आप दोबारा बताइए कि क्या सुधार करें ताकि बैंक सेक्टर और भी सुधार बैंकिंग सेक्टर को और भी सुधारा जाए। तो उसने फिर अपना जो है वो क्या किया सेकंड फेज के लिए रिफॉर्म प्रोवाइड किया। अब उसमें उसने क्या क्या बोला, सबसे पहले नए एरिया तो बोला कि बैंक जो है अब आपको क्या करना चाहिए, नए नए एरिया के अंदर एंटर करना चाहिए, नए नए इंस्ट्रूमेंट जो है वो बैंक क्या करेगा अब मतलब लॉन्च करेगा, रिस्क मैनेजमेंट भी आपको जो है वो करना है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, नहीं तो आपका बैंक क्या हो जाएगा दिवालिया हो जाएगा। टेक्नोलॉजी को भी स्ट्रेंथन करेंगे, मतलब उसके लिए बेसिकली IT को और भी क्या करेंगे समृद्ध करेंगे। फिर इंग्लिश फ्रॉम क्रेडिट, उसके लिए जो है वो अलग अलग आपको माइक्रो क्रेडिट एंड सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप अलग अलग एरिया में ओपन करने चाहिए और वहां से पैसे इकट्ठा करके बैंकों के अंदर डाला जाए। FDI लिमिट को क्या करो बढ़ाओ, यूनिवर्सल बैंकिंग का सिस्टम लेके आएंगे, यूनिवर्सल बैंक जिसके अंदर कमर्शियल बैंक के साथ में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इसको भी हम क्या करें बढ़ाएंगे, ठीक है। फिर अडॉप्शन ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से हम काम करेंगे, बेसिकली जो है वो बेसल नॉर्म्स है उनको भी हमको फॉलो करना है, IT को और भी अच्छा करना है, NPO को मैनेज करने के लिए बेसिकली आपको जो है वो क्या करना है, कुछ लोक अदालत हो गया DRT इसको आप लेके आए, बैंक कई सारे बैंक जो छोटे छोटे बैंक से उनको आप क्या करो मर्जर एंड एक्वायर करें, उनके कैपिटल बेस को बढ़ाया जाए। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बेसिकली जो है आप क्या करो KYC प्रोविजन जो है वो कर दिया गया, मैनेजरियल ऑटोनॉमी दिया गया बैंकों को कि बैंक आप अपने हिसाब से जो है वो काम कर सकते हो, कस्टमर सर्विस को जो है वो एनहांस किया जाएगा, एंड BPLR जो पहले ये सिस्टम चलता था BPLR का, इसमें क्या था 2010 से पहले इंडिया के अंदर BPLR चलता था बेंचमार्क प्राइमरी लेंडिंग रेट, उसके अंदर बैंक जो है वो अपने एक रेट फिक्स कर देगा और अपने चाहते लोगों को उस रेट से नीचे भी लोन इंटरेस्ट उससे नीचे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाता था। उसके फिर बेस रेट आया 2010 के अंदर और ये बेस रेट 2010 से लेकर 2016 में चला और उसके बाद में आया MCLR। तो आज की डेट में चलता है कौन सा MCLR की अगर बात करें तो ये है आपका क्या MCLR से पहले बेस रेट था, ये बेस रेट बेसिकली क्या होता है मतलब इस रेट से नीचे आपका भी बैंक जो है वो लोन प्रोवाइड नहीं करेगा और अब जो है वो क्या हो गया MCLR हो गया। तो MCLR जो है वो है क्या आपका ये रहा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट, ठीक है। अब इसके अंदर बेसिकली जो है वो 4 कंपोनेंट है, एक तो है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, MCLR कैसे बनेगा तो एक तो इसके अंदर आएगा कॉस्ट ऑफ फंड जिस रेट पे आपको पैसा मिला वो आएगा, दूसरा नेगेटिव कैरी ऑन द अकाउंट होता CRR, तीसरा आएगा इसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट आप कवर करोगे, चौथा है टेनोर फी में, ये चारों कवर करके फिर आपका जो है वो बनेगा क्या आपका रेट बनेगा, ठीक है। ये चारों मिला करके आपका वो रेट डिसाइड होगा, ठीक है। अब MCLR जो है वो आया कब तो ये ध्यान रखना 1 अप्रैल 2016 से आपके फोर्स में होगा, अभी तक MCLR ही चल रहा है और एग्जिस्टिंग कस्टमर को बोला कि अगर आप अपने करंट जो लोन है अगर आप उनको चेंज करना चाहो तो आप जो है वो MCLR के अंदर भी उसको चेंज करवा सकते हो। रीसेंट डेवलपमेंट के नाम पे ये बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है वो आया था, फिर देश के अंदर जो है वो A to G जो बोलते हो इंद्रधनुष प्लान जो है वो क्या किया गया लॉन्च किया गया, जिसके अंदर बेसिकली A to G प्लान, इसका मेन पर्पस ये था कि हम ना पब्लिक सेक्टर बैंक जो थे उनको फंडिंग भी करेंगे, ठीक है। अब A to G के अंदर बेसिकली सबसे पहले अपॉइंटमेंट, फिर आपका बैंक बोर्ड, बी से बैंक बोर्ड ब्यूरो, सी से कैपिटलाइजेशन पैसा प्रोवाइड करेंगे, डी से डिसेसिंग हो गया, ई से एम्पावरमेंट हो गया, एफ से फ्रेमवर्क अकाउंटेबिलिटी और जी से गवर्नेंस हो गया, ठीक है। फिर SBI के अंदर और उसकी जो ब्रांचेज है उनको क्या कर दिया मर्ज कर दिया, किसान क्रेडिट कार्ड को जो है वो कन्वर्ट कर दिया किसमें रुपए कार्ड में, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को अमेंड किया 2015 में, बाकी पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम को भी क्या किया थोड़ा बहुत अमेंड किया। ये कुछ रिसेंट डेवलपमेंट हुआ था आपकी किसमें बैंकिंग में। अब बेसल नॉर्म बेसिकली बैंक जो है वो पंगा जो है वो क्या पड़ा था आपको मैंने बताया सारी कहानी आपको मैंने समझा रखी है कि 1930 के अंदर ग्लोबल डिप्रेशन हुआ, उस ग्लोबल डिप्रेशन से उभरने के लिए बेसिकली जो है वो क्या किया गया एक बैंक को एस्टेब्लिश किया गया जिसको बोलते हैं BIS बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। उस बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के वो भी 17 मई 1930 को BIS को एस्टेब्लिश कर दिया गया था जो ग्लोबल डिप्रेशन है उससे उभरने के लिए। अब उस केस के अंदर जो है वो जो BIS है उसके अंदर एक कमेटी बैठी थी, कमेटी का नाम था BCBS बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, उसने बेसल नॉर्म जो है वो जारी करे कमर्शियल बैंक्स के लिए और ये बोल दिया हर कमर्शियल बैंक जो है वो इन नॉर्म्स को जो है वो क्या करे फॉलो अगर करता है तो वो बैंक रन की समस्या से बच सकता है, बेसिकली वो दिवालिया नहीं होगा। और इसके अंदर जो नॉर्म्स रखे वो सारे कैपिटल को लेकर के हैं,
ठीक है ना। तो बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन BCBS है, जो बेसिकली पूरे संसार के अंदर बेसल नॉर्म्स को जारी करता है। इंडिया की नहीं है ये, पूरे वर्ल्ड की है। तो एक अपने इंडिया के जो भी कमर्शियल बैंक, उन सबका पापा जो है वो कौन है, अपने RBI है। और जितने भी देश अपने जो पूरे संसार में जितने भी कमर्शियल बैंक, उन सभी कमर्शियल बैंक का कमर्शियल बैंक जो है, सॉरी अपने देश में जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, उन सबके ऊपर जो रेगुलेटरी बैंक है वो कौन है, RBI, सेंट्रल बैंक। और देश में पूरे संसार में जितने भी सेंट्रल बैंक हैं, उन सबके ऊपर सेंट्रल बैंकों का सेंट्रल बैंक जो है वो है आपका BIS, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। ठीक है, अब BIS के अंडर एक कमेटी बैठती है, कमेटी का नाम है BCBS। वो जो है वो बेसल नॉर्म्स को जो है वो क्या करती है, जारी करती है। बेसल जो है वो एक सिटी है, कहां पे, स्विट्जरलैंड में। ये हेडक्वार्टर है किसका, BIS का। इसका जो मेन काम है वो क्या, ये प्रमोट करता है कोऑपरेशन अमंग द सेंट्रल बैंक विद अ कॉमन गोल ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड बैंकिंग रेगुलेटरी स्टैंडर्ड। ठीक है, अब ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो ये है कि कब मनाया, 1974, ये सब देख लेना एक बार। अब सीधे यहां पे आ जाओ, बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3। बेसल 1 जो इंट्रोड्यूस किया गया 1988 के अंदर, इंडिया ने इसको जो है वो इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट किया 1992 के अंदर, और इंडिया ने फुली इंप्लीमेंट करी 1999 में। और इसका जो रिकमेंडेशन था वो क्या, 8% की। हर बैंक जो है वो क्या करेगा, अपनी अपने पास जो है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है मेंटेन करेगा कम से कम कितना, 8%। ठीक है, तो अपने जो आर्ड बैंक की जो RW रिस्क वेटेड एसेट, इसका पूरा मैकेनिज्म समझा रखा है, वो देख लेने पर बुक से भी कॉपी से भी जरूर। ठीक है ना, तो हर बैंक जो है वो क्या करेगा, अपनी रिस्क वेटेड एसेट का कम से कम 8% जो है वो क्या करेगा, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है मेंटेन करेगा। फिर बेसल नंबर 2 आया 2004 में, और इंडिया ने इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट किया 2009 में, और इंडिया ने फुल इंप्लीमेंट कर लिया 2015 में। इसमें जो रिकमेंडेशन दिया गया उसको 3 पिलर में बांटा गया, पिलर 1, पिलर 2, पिलर 3। पिलर 1 के अंदर था कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है वो कितना था, 8%, लेकिन इंडिया की केस में कितना, 9%। फिर सुपरविजन रिव्यू जो है वो किया गया कि कैसे रिस्क को आप मैनेज करेंगे। और तीसरा जो पिलर था वो था आपका मार्केट डिसिप्लिन। फिर जो आपका थर्ड जो पिलर है, थर्ड जो नॉर्म्स है बेसल 3, उसके अंदर जो है वो ये आया 2010 में, इसके रिवाइज गाइडलाइंस है वो आई 2011 के अंदर। फिर इसको फुली इंप्लीमेंट जो करना 2019 में, लेकिन अभी तक हमने इंप्लीमेंट नहीं किया कोविड की वजह से। इसमें जो रिकमेंडेशन था वो भी तीन आपको जो है तीन पिलर में दिया गया, लेकिन जो पहले बेसल 2 में जो तीन पिलर थे उनको एनहांस करके बता दिया। तो यहां पे एक तो होगा आपका क्या, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है वो कितना, 9% मेंटेन करना है। दूसरा, एनहांस सुपरविजन रिव्यू एंड एनहांस मार्केट डिसिप्लिन। आप अपने इंडिया के अंदर जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनको बेसल नॉर्म्स की गाइडलाइंस को पूरा करवाने के लिए जो है वो इंद्रधनुष प्लान आया था, जिसको 8 लाइन भी बोलते हैं। इसके अंदर जो है वो ए से अपॉइंटमेंट के अंदर क्या था कि जो आपके पब्लिक सेक्टर बैंक है उनके MD और CMD पोस्ट के लिए आप प्राइवेट लोगों को भी अपॉइंट कर सकते हो। बैंक बोर्ड ब्यूरो को एस्टेब्लिश करेंगे, पब्लिक सेक्टर बैंकों को पैसे प्रोवाइड करने के लिए हम लोग जो है वो क्या करेंगे, उसके लिए प्लान के अंतर्गत उनको पैसे प्रोवाइड करेंगे 4 अलग अलग स्टेजेस के अंदर। डिस्ट्रेस बैड लोन को रोकने के लिए जो है वो डिस्ट्रेसिंग का प्रोविजन जो है वो दिया जाएगा। एम्पावरमेंट है, जो अपने बैंक है उनको हम क्या करेंगे, एम्पावर करेंगे कि वो अपनी इंटरनल जो प्रोसीडिंग है अपने हिसाब से कर सकते हैं। फ्रेमवर्क अकाउंटेबिलिटी, अगर एम्पावर कर देंगे तो आपकी अकाउंटेबिलिटी भी आपको जो है सेट किया जाएगा। एंड गवर्नेंस रिफॉर्म, उसके लिए बेसिकली जो है टाइम टू टाइम पे क्या करेंगे, मीटिंग वोटिंग करने का काम करेंगे। तो ये A to G प्लान है किसके लिए, पब्लिक सेक्टर बैंकों के लिए। अगर आया पेपर में क्वेश्चन तो यही आएगा, A to G किसके लिए, पब्लिक सेक्टर बैंकों के लिए। और इसके अंदर जो एब्रीवेशन है वो क्या, A से G तक, इसको इंद्रधनुष प्लान भी बोला जाता है। आगे, अब हर बैंक जो है वो क्या करेगा, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करेगा इन द फॉर्म Tier 1 कैपिटल एंड Tier 2। तो Tier 1 कैपिटल जो है ये होता है बेसिकली बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ के लिए, इट इज इंटेंडेड टू मेजर द बैंक फाइनेंशियल हेल्थ। तो अगर किसी भी बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ को अगर आपने मेजर करना है तो वो आप नापते हो विद द हेल्प ऑफ Tier 1 कैपिटल। ए बैंक यूज Tier 1 कैपिटल टू एब्जॉर्ब द लॉसेस विदाउट सीजिंग बिजनेस ऑपरेशन। Tier 2 जो है वो सप्लीमेंट्री होती है एंड लेस रिलायबल देन द Tier 1 कैपिटल। तो Tier 1 कैपिटल के अंदर रहेगा बेसिकली ये आती है आपका पेडर कैपिटल हो गया, स्टैच्यूट रिजर्व हो गया, अदर डिस्क्लोज रिजर्व हो गया, कैपिटल रिजर्व विद द रिप्रेजेंट सरप्लस हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर रिजर्व हो गया, IPDA हो गया, एंड परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल हो गया। तो ये सब जो है इन सबको जब जोड़ दो, ये बनता है Tier 1, इसके अंदर ये तीनों माइनस कर दो, क्या क्या, इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन द सब्सिडियरी, इंटेंजिबल एसेट एंड द लॉसेस। Tier 2 कैपिटल की अगर बात करें तो Tier 2 कैपिटल के अंदर बेसिकली ये सब कैपिटल आती है, मतलब ये सब अमाउंट जो है आपके Tier 2 कैपिटल के अंदर रहेगा। अनडिस्क्लोज रिजर्व हो गया, रिवर्शन रिजर्व हो गया, जनरल प्रोविजन एंड द लॉस रिजर्व हो गया, हाइब्रिड डेट कैपिटल हो गया, लॉन्ग टर्म अनसिक्योर्ड लोन हो गया, डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट हो गया, ये सब। तो ये सब जो है ये पार्ट है इसका आपके Tier 2 कैपिटल का। अब आएगा मिनिमम, ये मिनिमम टोटल CRAR जो है वो कितना है, 8%, लेकिन अपने RBI ने कितना गाइडेंस दिया, 9%। तो अपने इंडिया में जितने भी आपके पब्लिक सेक्टर बैंक है वो 9% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को जो है वो मेंटेन करते हैं। नया प्राइवेट सेक्टर बैंक अगर आप ओपन करेंगे तो आपको कम से कम 10% रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, इंश्योरेंस बिजनेस में अगर आप काम करें तो आपको 10% मेंटेन करना पड़ेगा। लोकल एरिया बैंक के लिए 15% है, और फॉर डिविडेंड डिक्लेरेशन बाय द बैंक उसके लिए 9% है। आगे फिर आएगा जी आपका NPA की अगर बात करें तो NPA बोलता है नॉन
परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जिसने परफॉर्म करना बंद कर दिया। बेसिकली बैंक ने जो है वो कस्टमर को लोन दिया और कस्टमर अगर उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट का पेमेंट करने से क्या करते हैं, मना करते हैं, या इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करने से मना करते हैं, तो वो उस लोन को हम बोल देते हैं हम लोग क्या, एनपीए। अब एनपीए जो है उसकी कैटेगरी क्या, जिस दिन आपका इंटरेस्ट या फिर प्रिंसिपल अमाउंट आपका ड्यू हो गया तो उसके अगर 90 दिनों तक अगर आपको पैसा नहीं मिलता है तो 90 दिनों के जस्ट बाद 91 दिन जो है वो अमाउंट आपका जो है वो क्या हो जाएगा, वो अकाउंट हो जाएगा आपका एनपीए। एक साल तक और जब वो एनपीए बनेगा तो किस कैटेगरी में जाएगा, सबसे पहले जो कैटेगरी होगा वो कौन सा होगा, सब स्टैंडर्ड कैटेगरी। एक साल के जस्ट बाद जो है वो एक नया वो जो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी है उससे नई कैटेगरी में चल जाएगा जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, डाउटफुल। और अगर 3 साल तक डाउटफुल कैटेगरी में रहा तो उसके बाद में वो जो है वो बन जाएगा क्या, लॉस एसेट। ओके, तो एनपीए बेसिकली क्या, एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो एनी एसेट और इंक्लूडिंग लीज एसेट बिकम एनपीए व्हेन इट सीज, जब वो रोक दे टू जनरेट द इनकम फॉर द बैंक, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एनपीए। तो एनपीए किसको बोलेगा, अगर आपका इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट अमाउंट जो है वो ओवरड्यू हो जाए फॉर द पीरियड मोर देन 90 डेज, या अगर आपका कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट है वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाए, या आपका बिल जो है वो क्या ओवरड्यू हो जाए फॉर द मोर देन 90 डेज के लिए, अगर आपने जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स के लिए लोन दे रखा है और अगर 2 सीजन तक लगातार पैसा ना आए तो भी ओवरड्यू वो आपका एनपी हो जाएगा। अगर आपने लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स के लिए पैसा जो है उधार दिया हुआ था, अगर 1 क्रॉप सीजन तक पैसा ना आए तो भी वो अमाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, एनपी हो जाएगा। अब टाइप ऑफ एनपी के नाम पे आपके पास एक है सबस्टैंडर्ड, एक है डाउटफुल, कौन सा, लॉस। तो जैसे अगर आपकी परफॉर्मिंग के बाद में जो मतलब अगर आप एनपी हो गए, आपकी जो लोन है अगर एनपी हो गए तो सबसे पहले जिस कैटेगरी में जाएगा उसको बोलते हैं क्या, सबस्टैंडर्ड। 12 महीने तक इस कैटेगरी में, 12 महीने से अगले दिन वो हो जाएगा क्या, डाउटफुल। और अगर मान लो आपका जो डाउटफुल जो एनपी है, अगर आपके बैंक का मैनेजर या आपके बैंक का इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर और या फिर आरबीआई का ऑफिसर अगर बोलते हैं कि भाई पैसा रिसीव नहीं होगा, तो आपको वो आप क्या करना पड़ेगा, 100% प्रोविजन बना के उसको जो है वो काटना पड़ेगा, उसको बोल देंगे आप लोग क्या, लॉस एसेट। ठीक है, फिर प्रोविजिंग नॉम कुछ ये है, स्टैंडर्ड एसेट के लिए जो है वो प्रोविजिंग नॉम है, मतलब अगर चाहे स्टैंडर्ड एसेट भी है, टाइम पे पैसा आ रहा है, फिर भी आप लोग जो है वो कुछ प्रोविजन बना के चलेंगे, उसके लिए जो है बोल रखे क्या कि डायरेक्ट एडवांस टू एसएमई एग्रीकल्चर सेक्टर को देते हो तो 0.25%, क्या टाइम पे पैसा मिले फिर भी 0.25% का आप जो है वो क्या करोगे, प्रोविजन मेंटेन करके चलोगे। एडवांस टू कमर्शियल रियल एस्टेट, उसके अगर आप ये रियल एस्टेट को अगर आप पैसा आपने जो है उधार के तौर पे दे रखा है, चाहे टाइम पे पैसा आ रहा है फिर भी 1% का जो है उनके उनके लिए भी प्रोविजन बना के चलोगे। एंड रिमेनिंग ऑल अदर स्टैंडर्ड कैटेगरी के जो लोन है उनके लिए 0.40% है। सब स्टैंडर्ड में सिक्योर्ड एक्सपोजर जो है उसके लिए कितना, 15%, अनसिक्योर्ड के लिए 25% आप जो है वो क्या करोगे, आप प्रोविजन बना के चलोगे। ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर लोन अगर हमने प्रोवाइड किया हुआ है तो उसके लिए जो है वो कितना, 20% है। डाउटफुल कैटेगरी अगर हो गया, अगर आपका जो लोन है अगर वो डाउटफुल कैटेगरी में चला गया तो और वो अनसिक्योर्ड है तो 100% जो है प्रोविजन मेंटेन कर लेंगे। सिक्योर्ड है तो उसके लिए क्या होगा, 1 साल तक जो है 25%, 1 साल से ऊपर 3 साल तक 40 और 3 साल से ऊपर हो जाएगा तो कितना, 100। और जो लॉस एसेट है उसके लिए भी प्रोविजन कितना रहेगा आपका, 100% रहेगा। ओके जी सर, चलो इंपैक्ट क्या होगा, अगर मान लो कोई भी बैंक का जो लोन है वो एनपी हो जाएगा तो फिर क्या होगा, इससे बैंक का प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा, इसका इफेक्ट पड़ेगा बैंक की कैपिटल एडिक्वेसी पे, बैंक दस बिकम एवर्स टू द गिविंग लोन एंड टेक 0% रिस्क, और फिर बैंक जो है उससे कभी भी क्रेडिट को क्रिएट नहीं कर पाएगा, एंड फंड कॉस्ट जो है वो क्या होगा, मोर हो जाएगा ड्यू टू एनपीए, और बैंक का मेन काम जो है वो सिर्फ वो बैंक अपना रिस्क बचाता रहेगा और प्रॉफिटेबिलिटी से उसका ध्यान हट जाएगा। ठीक है, करेक्शन कैसे, इसका करेक्शन के लिए ना एक नया सिस्टम जो है लॉन्च किया गया जिसको बोलते हैं एसएमए, स्पेशल मेंशन अकाउंट, इसकी पूरी क्लास भी मैंने यूट्यूब पर वैसे डाला भी था। इसके अंदर बेसिकली कि अर्ली रिडक्शन करने के लिए हम एसएमए कर देंगे, उसके 3 कैटेगरी बनेगा, एसएमए 1, एसएमए 2, एसएमए 3। अगर अमाउंट आपका ड्यू हो गया, देखो अमाउंट ड्यू होगा 90 दिनों तक पैसा नहीं मिलेगा फिर जाके बोलेंगे एनपीए, लेकिन अब ये बोले कि अर्ली रिडक्शन करने के लिए आप ये काम कर सकते हो, आप उसको पहले से एसएमए 1, 2, 3 कैटेगरी में डाल देना। अगर आपका आज अमाउंट ड्यू हो गया और अगर 30 दिनों तक पैसा नहीं मिला, ठीक है, तो वो बनेगा एसएमए 0 में, और अगर 30 दिनों से ऊपर 60 दिन तक नहीं मिला तो एसएमए 1, और 60 दिनों से ऊपर हो गया लेकिन 90 दिनों तक नहीं मिला तो एसएमए 2। वैसे 90 दिन से ऊपर हो जाएगा तो 91 दिन जो है वो क्या बन जाएगा, एनपीए बन जाएगा। तो एक नया मैकेनिज्म आया है जिसे अर्ली डिटेक्ट आप कर सकते हो कि कौन सा अकाउंट आपका जो है वो बैड अकाउंट या बैड जो है वो एडवांस बनने वाला है, तो उसके लिए आगे एसएमए स्पेशल मेंशन अकाउंट, एसएमए 0, 1, 2। टाइम पीरियड आपको बता दिया, 1 से लेके 30, 31 से लेके 60 और 61 से लेके 90, 90 के जस्ट बाद 91 वाले दिन जो है वो क्या हो जाएगा, एनपी हो जाएगा। लो जी, आगे अब सेटलमेंट की स्कीम के तौर पे जो है वो लोक अदालत जो है वो बनाई गई है और एनसीएलटी जो है वो आ गया है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है क्या, सरफाइसी, ये थोड़ा सा देख लेना एक बार। ठीक है, फिर आईबीसी भी आ गया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, इसने जो है बहुत तगड़ा काम करके दिया बैंकों का, इसने मतलब बैंकों को बहुत ज्यादा रिकवरी करके दिया, क्योंकि इसके अंदर जो भी प्रोविजन है वो सब बैंक के फेवर में और जो बोरोवर है उसके फेवर में नहीं है। तो यहां पे ये ना बैंकों को छूट देता है कि अगर मान लो कल को अगर डिफॉल्ट, अगर कोई पर्सन डिफॉल्ट करता है तो आप उसकी प्रॉपर्टी को कुर्क करके उसको सेल करके जो है पैसा रिकवर
कर सकते हो। तो ये बात थोड़ा ध्यान रखना। तो ये है, आईबीसी ने शिफ्ट कर दिया बैलेंस ऑफ पावर फ्रॉम द बोरोवर से किसको कर दिया, क्रेडिटर को, मतलब बैंक को कर दिया, बिकॉज अंडर आईबीसी द बोरोवर फेस द रियल चेंज ऑफ लूजिंग हर एसेट। और यहां पे चांस है कि आपने अगर बैंक से लोन लिया और अगर पेमेंट नहीं करोगे तो बैंक आपकी प्रॉपर्टी को कुर्क करके उसको सेल कर देगा, ठीक है। तो आप अपनी प्रॉपर्टी से हाथ भी धो सकते हो। चलो जी, फिर रिस्क एंड रिस्क मैनेजमेंट, एक लास्ट टॉपिक ये इसको देख लेते हैं। रिस्क का मतलब जो है वो क्या होता है, तो रिस्क में भी डिफाइन एज अनसर्टेनिटी। रिस्क का मतलब जो है वो क्या, अनसर्टेनिटी, इट रिजल्ट इन एडवर्स आउटकम, एडवर्स इन रिलेशन टू द प्लान ऑब्जेक्टिव और एक्सपेक्टेशन। सिंपल टर्म में ये बोलते हैं रिस्क का मतलब जो है वो क्या होता है, पॉसिबिलिटी ऑफ द लॉस, ओके, या फाइनेंशियल लॉस हो गया और द लॉस ऑफ रेपुटेशन, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिस्क, ठीक है। अब बैंकिंग के अंदर जो रिस्क है वो कई तरीके का होता है, आओ देखते हैं उसको। मेन जो इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट हुआ जिसके वजह से रिस्क ज्यादा हुआ, एक तो है डीरेगुलेशन, आरबीआई का कंट्रोल थोड़ा सा कम हो गया तो रिस्क बढ़ गया बैंकों का, और एक टेक्नोलॉजी इनोवेशन। टाइप ऑफ रिस्क के अंदर जो आएगा सबसे पहले नंबर पे जो आएगा वो है लिक्विड रिस्क। ऐसा हो सकता है कि आपके पास, आपको मतलब बैंक के लिए ही सारा, तो लिक्विड रिस्क के अंदर क्या आएगा कि क्या पता हो सकता है कि बैंक के पास में जो पैसा ही ना हो पेमेंट करने के लिए, तो उसको बोलते हैं लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी का मतलब ये हो गया कि अगर बैंक जो है वो लॉन्ग टर्म एसेट्स को जो है फंड कर दे शॉर्ट टर्म लायबिलिटी से, तो उससे क्या होगा कि टाइम पे जब पेमेंट करने की बारी आएगी आपके पास पैसा ना हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, लिक्विडिटी रिस्क, की आपके पास लिक्विडिटी क्रंच हो जाए, ठीक है ना, उसको लिक्विडिटी। लिक्विडिटी के अंदर ये तीन रिस्क आते, नाम याद करके जाना। दूसरा इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है बेसिकली कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन की वजह से अगर आपकी इक्विटी की वैल्यू जो है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी जो है उसके ऊपर क्या पड़ता है, बैड इंपैक्ट पड़ता है, तो उसको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क। ये बात थोड़ा ध्यान रखना। तो अगर इंटरेस्ट रेट में मूवमेंट हुआ उसकी वजह से अगर आपके मार्केट वैल्यू के ऊपर बैड इंपैक्ट पड़ता है तो वो है इंटरेस्ट रेट रिस्क, ठीक है जी। इसके बाद जो आएगा वो है जी आपका कौन सा, मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क का मतलब क्या, बैंक ने जो इन्वेस्टमेंट की है अगर उसकी वैल्यू डिक्लाइन, आपने जो पैसा बाहर इन्वेस्ट किया हुआ है अगर मान लो मार्केट में एडवर्स कंडीशन चल पड़ा और आपकी मार्केट वैल्यू जो है उस इन्वेस्टमेंट की वो कम हो जाए, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मार्केट रिस्क। फिर डिफॉल्ट रिस्क, आपने किसी पर्सन को लोन दे रखा और अगर वो कल को वो पेमेंट करने में क्या करते हैं, मना कर दे, तो उसको बोलेंगे डिफॉल्ट या फिर क्या, क्रेडिट रिस्क। इसके बाद में आएगा जी आपका क्या, ऑपरेशन रिस्क। अगर आपकी जो स्ट्रेटजीज हैं, मतलब अगर इंटरनल प्रोसेस आपका जो वो क्या हो जाए, इनएडिक्वेट हो या फिर वो फेल हो जाए, या आपके जो लोग हैं, सिस्टम है या एक्सटर्नल इवेंट है, अगर वो क्या हो, इनएडिक्वेट हो, तो उसकी वजह से आपके बैंक में जो रिस्क राइज होगा उसको बोलेंगे आप लोग क्या, ऑपरेशनल रिस्क। और जो लास्ट तरह का जो रिस्क होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, बोलो, उसको बोलते हैं अदर रिस्क। में जैसे स्ट्रेटजिक रिस्क आ गया कि अगर आपने डिसीजन मेकिंग गलत कर लिया अपने बैंक के रिगार्डिंग, कोई डिसीजन ढंग से नहीं लिया, तो उससे जो रिस्क होगा उसको बोलते हैं स्ट्रेटजिक रिस्क। और एक होता है रेपुटेशन, अगर नेगेटिव पब्लिक ओपिनियन बन गया तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रेपुटेशन रिस्क। अब ये जो रिस्क है अलग अलग, अब इसको कैसे मिटिगेट कर सकते हो, तो दो तरीके हैं। एक तो रेटिंग से, आप रेटिंग करवाओगे, ठीक है, और जिस बैंक में आपको लगे ज्यादा रिस्क है आप उसको, उसके ऊपर जो है कड़ी कार्रवाई भी कर सकते हो। और दूसरा जो तरीका है वो क्या, बेसल कमेटी। क्योंकि रिस्क बेसिकली जो है वो ये हो सकता है कि आप बैंक डूब ना जाए, और डूबने से बचाना है तो उसके लिए क्या कि उसको बोल दो कि भैया कैपिटल एडिक्वेसी आपको जो है प्रॉपर मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये तरीके हैं, इन तरीकों से आप लोग जो है वो क्या सजेस्ट कर सकते हैं आरबीआई और बीएएस ने कि आप इस तरीके से रिस्क को जो है मिटिगेट कर सकते हो। तो छह तरीके का रिस्क है बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर, उन छह तरीके के रिस्क को इस तरीके से आप जो है मिटिगेट कर सकते हो। ओके जी सर, लो जी ये चैप्टर भी हो गया आपका कंप्लीट। तो तीन चैप्टर आज की क्लास के अंदर हमने किए, हमने डिसाइड किया था कि हम अभी पढ़ेंगे टाइप ऑफ बैंक, वो हमने कर लिया, आरबीआई का टॉपिक कर लिया और बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म का टॉपिक कर लिया। अब अगली क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे ओवरव्यू इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का, और ये चार चैप्टर, और उससे अगली क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे डिजिटाइजेशन और इंश्योरेंस का टॉपिक। ओके, तो अभी तीन चैप्टर हमने कर लिए, एक बार आप इस ये तीन चैप्टर निपटाओ, नेक्स्ट क्लास में रिमेनिंग के जो चैप्टर है उसको हम पूरा करेंगे और पूरा का पूरा टॉपिक आपका हो जाएगा रिवाइज। ओके जी, लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा अच्छा अच्छा कमेंट कीजिएगा, कोई कमी लगी है वो भी बताइएगा। और अगर आप लोग जो है वो जून के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या दिसंबर के लिए, तो हमारा ऑनलाइन बैच है, अगर आप चाहें तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके जी, चलो एक बार ये कीजिए, बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।